वेलकम। कैसे हो भतीजे? अपने चाचा से बहुत नाराज है ना? क्या करें, इसी का नाम जिंदगी है। कोई मरता है तो कोई जीता है। मुझे मारना चाहते? प्रभास और KGF चैप्टर 2 के डायरेक्टर कैसे मचाने वाले हैं सलार से धमाल। क्या मतलब है सलार का और इसके बारे में प्रशांत नील ने क्या कहा? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज़, मैं हूँ सोनिका जुयाल। दोस्तों, जैसे ही खबर आई सलार की और फर्स्ट लुक रिलीज़ किया गया, धड़कने बढ़ चुकी हैं और बहुत भयंकर बस बन चुका है सलार के लिए। प्रभास इसमें नज़र आने वाले हैं और प्रभास का जो लुक है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है दोस्तों। पूरा डार्क शेड नज़र आ रहा है और प्रभास बहुत ज़्यादा स्टनिंग लग रहे हैं। साथ ही उनके हाथ में गन नज़र आ रही है। अब जब ये फिल्म का पोस्टर आया, एक हैरानी वाली बात ये थी, दूसरा इसका नाम सलार, जो कि समझ नहीं आ रहा था कि सलार का मतलब क्या होता है, लेकिन नाम बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था, तभी से लोग पूछने लगे कि आखिरकार ये सलार है क्या। तो प्रशांत नील को भी पता चल गया कि लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है भैया कि है क्या ये चीज़ सलार। तो अब प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू में बता दिया है कि क्या है मतलब सलार का दोस्तों। तो प्रशांत नील ने कहा कि मुझे पता चल गया था कि बहुत सारे लोग अलग अलग इंटरप्रिटेट कर रहे हैं इसको, अलग अलग तरीके से इसकी मीनिंग निकाल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है कमांडर इन चीफ, यानी कि कमांडर इन चीफ होने वाले हैं इसमें हमारे प्रभास। और पहली बार ऐसा होगा कि एकदम अलग किरदार में नजर आने वाले हैं वो इस फिल्म में, और दो भयंकर लोग एक साथ मिलने वाले हैं, एक तो हमारे बाहुबली और दूसरे KGF चैप्टर 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील। दोनों का अपना अपना ऑरा है, दोनों का अपना अपना भयंकर वाला बज है और दोनों के काम से दुनिया इंप्रेस है, सिर्फ इंडिया नहीं दुनिया, बाहुबली और KGF चैप्टर 2। तो दोस्तों, दो डायनमो जब एक साथ होंगे तो ब्लास्ट ही होगा और सलार के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। एक्शन होने वाला है, ड्रामा होने वाला है। और दोस्तों, ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं दी, सिर्फ जब ये बताया गया था कि ये दो लोग साथ में आने वाले हैं, भाई भूकंप आ गया था और अब जब फर्स्ट लुक उन्होंने इतनी जल्दी शेयर किया उसके बाद तो लोगों को कंफर्म हो गया कि कुछ धमाल ही होने वाला है। और अब सलार के साथ ये दोनों कॉम्बो हमारे सामने नज़र आएंगे दोस्तों। शूटिंग की अगर मैं आपको बात करूँ तो शूटिंग वो 2021 में शुरू करने वाले हैं, और आपको याद हो कि 2021 में आदि पुरुष की भी शूटिंग चालू करने वाले हैं प्रभास, और कहा जा रहा है कि ये दोनों फिल्मों की शूटिंग वो साथ साथ करेंगे। प्रभास बहुत ज़्यादा जैसे कि मेहनती है तो इसी तरह का काम उनका दिखता भी है, और सलार और आदि पुरुष की शूटिंग वो साथ साथ करेंगे। तो दोस्तों, आपको कितना वाली है, कब तक रिलीज़ होगी ये फिल्म? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज़, मैं हूँ सोनिका जुयाल। जब से सलार का फर्स्ट लुक रिलीज़ हुआ है और पता चला है कि इसे प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं और प्रभास इसमें होने वाले हैं, तो फैंस में गजब की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है दोस्तों। क्योंकि जब एक बड़ा डायरेक्टर और बड़ा एक्टर साथ में काम करते हैं तो धमाल ही होता है, ये सबको पता है। और वाकई सलार का जो फर्स्ट लुक आया है जिसमें कि प्रभास एक गन के साथ नजर आ रहे हैं, ये पोस्टर काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी अट्रैक्टिव है और इस फिल्म को देखने के लिए हमें और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा देता है। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म में 3 एक्ट्रेसेस होने वाली हैं और ये तीनों बॉलीवुड से हैं। आपको बता दें इसमें श्रद्धा कपूर, कबीर सिंह लेडी यानी कि कियारा आडवाणी और दिशा पाटनी हो सकती हैं। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है लेकिन खबरें इन तीनों की ही आ रही है, और अगर ये तीनों फिल्में हो गई तो फिर तो बॉलीवुड फैंस भी उछल पड़ेंगे और इस फिल्म का बस और भी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा क्योंकि इसमें बड़े बड़े एक्टर्स और साथ ही डायरेक्टर हैं। वहीं आपको बता दें कि ये फिल्म जो है जिसका नाम सलार है, इसका मीनिंग भी प्रशांत नील ने हाल ही में अपने ट्वीट में बताया था। उन्होंने कहा था कि सलार का मतलब है कमांडर इन चीफ, और कमांडर इन चीफ के रोल में नज़र आएंगे प्रभास। और जो तस्वीर उनका जो फर्स्ट लुक सामने आया है उसमें भी वो गन के साथ नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है और बहुत ही मज़ेदार ये फिल्म होगी। तीनों एक्ट्रेस होंगी, स्टार कास्ट इतनी तगड़ी है। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग प्रभास 2021 एंड में शुरू करेंगे क्योंकि उनके पास बहुत सारी फिल्में हैं इससे पहले, और कहा जा रहा है कि क्रिसमस 2022 इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रभास पहले आदि पुरुष के शूट खत्म करेंगे, उनकी प्रभास 21 भी आने वाली है,
तो बहुत सारी फिल्में हैं उनकी, तो अब देखना होगा कि प्रभास का इस फिल्म में क्या रोल होने वाला है, ये तो पता है, लेकिन केमिस्ट्री किसके साथ जमेगी, कौन से एक्ट्रेस के साथ वो केमिस्ट्री देखने को मिलेगी प्रभास की इस फिल्म में, और कहाँ कहाँ ये शूट होगा, जो भी अपडेट इस फिल्म के बारे में होगी हम आपको बता देंगे। फिलहाल आपको सलार का सुपरस्टार प्रभास क्या पहली बार सालार फिल्म में निगेटिव शेड करते हुए नजर आएंगे, कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इस तरह के कैरेक्टर प्ले किए हैं और किस तरह से दर्शकों ने उन्हें अपनाया था, कितनी सैलरी प्रभास ने लिया है फिल्म सालार के लिए और कितना अमाउंट होने वाला है इस फिल्म सालार का। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में, मेरा नाम है निधा और आज मैं बात करने वाली हूँ प्रभास की फिल्म सालार के बारे में। ये तमिल इंडस्ट्री की COVID-19 वैक्सीन की तरह है, इस फिल्म का इतना इंतजार किया जा रहा है, इतना इंतजार किया जा रहा है कि लोग बता नहीं सकते कि कितना इंतजार कर रहे हैं। खैर आपको बता दूं कि आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए काफी नई हो सकती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या प्रभास इस फिल्म में सालार में क्या निगेटिव किरदार करने वाले हैं, किस तरह के रोल में दिखने वाले हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत नील, जो कि KGF का भी डायरेक्शन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि KGF चैप्टर 2 की इतनी ज्यादा हवा गर्म हो चुकी है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आने से पहले ही हिट बताई जा रही है। उसी फिल्म के डायरेक्शन के बाद प्रशांत नील तैयार है प्रभास की फिल्म सालार के लिए। इस फिल्म को होमबेल प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है और इस फिल्म के बारे में उन्होंने कहा कि वो इस फिल्म को बहुत बड़ा पैमाने पर बना रहे हैं। इस फिल्म के बारे में ज्यादा तो बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस फिल्म में जो प्रभास का कैरेक्टर है वो काफी स्ट्रांग और निगेटिव शेड होने वाला है, लेकिन इससे एक एक्साइटमेंट पैदा होती है कि प्रभास मेन लीड में फिल्म सालार के होने वाले हैं, तो क्या उनका निगेटिव इम्पैक्ट इस फिल्म में एक अलग तरीके से आएगा, क्या फिल्म एक अलग सीक्वेंस लेकर आएगी ऑडियंस के लिए, क्या ऑडियंस को वो कैरेक्टर प्रभास का पसंद आएगा, क्योंकि प्रभास हमेशा ही बहुत अच्छे लविंग कैरेक्टर में दिखाई देते हैं और इस फिल्म में वो एक निगेटिव किरदार निभाते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि कोई भी कैरेक्टर, कोई भी हीरो इस तरह से कोई कैरेक्टर कर रहा है। बॉलीवुड में तो ऐसे कैरेक्टर्स की भरमार है, चाहे वो शाहरुख खान की फिल्म डॉन हो, प्रियंका चोपड़ा की फिल्म एतराज हो, या फिर संजय दत्त की फिल्म खलनायक हो, ये वो सारे कलाकार है जिन्होंने ऑडियंस ने इनको लविंग कैरेक्टर एज वेल एज निगेटिव कैरेक्टर्स में भी उतना ही प्यार किया है। तो क्या प्रभास की फिल्म सालार भी उनके लिए इतना ही प्यार लेकर आएगी, क्या ऑडियंस उनको इस कैरेक्टर में प्यार करने वाले हैं? आपको क्या लगता है कि फिल्म प्रभास सालार के लिए बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि प्रभास के लिए फिल्म सालार काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले उनकी जो फिल्म आई थी साहू, उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस नहीं किया था। खैर अब देखना है कि क्या होगा, बाकी आगे चलते हैं कि प्रभास ने इस फिल्म के लिए कितना ज्यादा अमाउंट लिया है और ये फिल्म का बजट कितना होने वाला है। अगर प्रोड्यूसर मेकर्स ये कह रहे हैं कि ये फिल्म बहुत बड़ी होने वाली है, तो उस हिसाब से प्रभास को इस फिल्म के लिए भी काफी अमाउंट मिलने वाला है। आपको बता दूं कि सोर्सेस का कहना है कि इस फिल्म के लिए प्रभास को 75 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, इसके अलावा उनका मुनाफा थोड़ा और बनता होगा। वैसे इस फिल्म के बाद बहुत सारे कमर्शियल्स भी उनकी झोली में आकर गिरने वाले हैं, यानी कि प्रभास के लिए ये फिल्म तो धनतेरस दिवाली की तरह हो गई है, जो बहुत ज्यादा धन लेकर आने वाली है। बाकी आपको बता दूं कि इसके अलावा प्रभास ने अभी शुरू करी इसकी शूटिंग, जो कि हाल ही में हुई है। इस फिल्म में एडिशन हुआ है श्रुति हसन का, जो इस फिल्म में ऐड हो गई है। वैसे प्रभास के निगेटिव कैरेक्टर और श्रुति हसन का ग्लैमर लुक फिल्म को बहुत अच्छा लुक देने वाला है। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये थे प्रभास की फिल्म सालार से जुड़े कुछ फैक्ट। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्म रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को, जहां पे कैद हुए वो। प्रभास को सालार में, यश को KGF 2 में, इसके बाद प्रशांत नील किस बड़े सितारे के साथ काम करने वाले हैं? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, मेरा नाम है निधा और आज मैं बात करूंगी पैन इंडिया स्टार प्रभास की सालार के बारे में। इसके अलावा प्रशांत नील के आने वाले वेंचर्स के बारे में भी बात होगी कि वो किसके साथ काम करने वाले हैं और वो क्या करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आगे चलते हैं कि प्रभास ना सिर्फ पैन इंडिया स्टार हैं, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी इनकम बहुत ज्यादा है। अभी रिसेंटली उन्होंने 41st बर्थडे मनाया है और आपको बता दूं कि फोर्ब्स की मैगजीन में 3 बार वो दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि ना सिर्फ इनका करियर बड़ा है, इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है, बल्कि इनका नाम भी काफी बड़ा है। अगर आप उनके ओरिजिनल फैन हैं तो उनका ओरिजिनल नाम तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं उनका पूरा नाम है वेंकट सत्यनारायण प्रभास राजू उपलापति। मैंने कहा था ना कि ये नाम उनका बहुत लंबा है। बाकी आपको बता दूं कि प्रभास को रिसेंटली एक तेलंगाना के छोटे से शहर में देखा गया, वो वहां पर प्रशांत नील के साथ कैप्चर किए गए। फिल्म सालार के लिए पाठ पूजा का आयोजन भी किया गया और प्रशांत नील ने अपने फेवरेट स्टार को भी इस पाठ पूजा में बुलाया था। वो एज अ चीफ गेस्ट इस पूजा में शामिल हुए और ये चीज हैदराबाद के एक 5-स्टार होटल में की गई थी।
इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है और ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म के लिए सबसे पहले एक्शन सीन शूट होगा। ये एक तेलंगाना के एक छोटे से शहर में होगा जहां पर कोल माइनिंग होती है। बहुत सारी तमिल की ऐसी फिल्में हैं जहां पर कोल माइनिंग से स्टार्ट होती हैं और कोल माइनिंग पर ही खत्म हो जाती हैं, लेकिन सालार की शूटिंग सबसे पहले कोल माइनिंग में स्टार्ट हुई है। तो प्रशांत नील के लिए कोल माइन काफी लकी है, ऐसा मान सकते हैं। बाकी आपको बता दूं कि प्रशांत नील ने इस फिल्म सालार में प्रभास का लुक बहुत ही ज्यादा डार्क रखा है। इस फिल्म में वो सिर्फ ना डार्क रहेंगे बल्कि बहुत ज्यादा वायलेंस और करते हुए भी नजर आएंगे। इस फिल्म में काफी एक्शन सीन है और इस फिल्म में वो कैरेक्टर पाने के लिए प्रभास काफी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपको बता दूं कि वो अलग अलग डाइट फॉलो कर रहे हैं, अपने बाइसेप्स और अपनी फिजिक पर भी काफी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि एक अजम्पशन किया जा रहा है कि तेलंगाना के गोदावरी खानी शहर में कोयला खानों में चुनी गई जो लोकेशन है वहीं पर इस फिल्म की शूटिंग होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रशांत नील इस फिल्म के लिए भी काफी स्पेसिफिक है। आपको बता दूं कि इस फिल्म के लिए उन्होंने मेहनत करी है, बहुत एक बड़ा सेट तैयार किया जा रहा है फिल्म सालार की शूटिंग के लिए। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या बाहुबली से भी बड़ा प्रोजेक्ट जा सकता है ये फिल्म सालार का, क्या प्रशांत नील इस फिल्म को काफी बड़ा बनाने वाले हैं। तो शायद हाँ, इस फिल्म के बजट और बहुत बड़े स्केल के बारे में कब पुष्टि करेंगे प्रशांत नील ये तो नहीं पता, लेकिन आपको बता दूं कि प्रशांत नील एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं कि प्रभास को सालार में यश को KGF 2 के बाद एक और बड़े सितारे के साथ काम करने वाले हैं प्रशांत नील। तो कौन है वो बड़ा सितारा और किस फिल्म में वो साथ दिखने वाले हैं? वैसे अगर बात की जाए तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं कि KGF ने प्रशांत नील की किस्मत को पलट दिया है और अब खबर आ रही है कि प्रशांत नील सालार के बाद NTR के साथ टीम बनाने जा रहे हैं, जबकि प्रशांत और NTR की पहली कुछ बैठकें हो चुकी हैं। ये पता चला कि दोनों की वर्तमान कमिटमेंट्स काफी हैं, तो वो सारी कमिटमेंट्स फॉलो करने के बाद वो इस फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं, यानी कि जूनियर NTR और प्रशांत नील ये दोनों ही बड़े पैमाने के एक्टर और डायरेक्टर हैं। तो ये जब दोनों एक फिल्म के लिए आएंगे तो ये फिल्म बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि प्रशांत नील की सालार और KGF 2 से काफी एक्सपेक्टेशन है, वहीं पर जूनियर NTR की RRR से काफी एक्सपेक्टेशन है। SS राज अमोले की मच अवेटेड फिल्म RRR है जिसमें जूनियर NTR, राम चरण, आलिया भट्ट, अजय देवगन जैसे बड़े सुपरस्टार्स दिखाई देने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा पैमाना है। बाकी ये सारी बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन देखना है कि ये जितनी बड़ी बातें नजर आ रही हैं तो क्या इतनी बड़ी बातें फ्यूचर में भी होंगी, क्या ये पासा पलट सकता है या फिर पासा और भी अच्छा हो सकता है। आप अपनी राय हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर इस फिल्म के बारे में कोई भी आपकी क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी आज के लिए, प्रभास की सलार की शूटिंग कहाँ की जानी है, क्या होने वाली है इस फिल्म की खास बातें, क्या इसके नए सितारों के लिए ऑडिशन होने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज़, मैं हूँ सोनिका जयाल। बात करेंगे प्रभास की अपकमिंग फिल्म सलार की, जिसका हाल ही में पोस्टर रिलीज किया गया है। इस फिल्म को KGF चैप्टर 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील डायरेक्ट करने वाले हैं और इसके अलावा फिल्म में बहुत कुछ खास होने वाला है दोस्तों। इस फिल्म में अब राणा दग्गुबाती की भी एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें इसमें विलन के रोल में दिखेंगे, यानी कि एक बार फिर से बाहुबली के जो हीरो और विलन एक साथ एक फिल्म में नजर आएंगे, जो कि अपने आप में बहुत बेहतरीन बात है दोस्तों। इसके अलावा आपको बता दें इस फिल्म के लिए जो शूटिंग है वो प्रशांत नील ने कहा है कि सिर्फ हैदराबाद और चेन्नई में की जाएगी, इतनी ही जगह काफ़ी है। और इसके लिए ऑडिशन भी रखे जा रहे हैं नए स्टार्स की सिलेक्शन के लिए। सलार नाम पर बनने वाली इस फिल्म का निर्माण होमबेल फिल्म्स कर रही है। हाल ही में इस फिल्म के टाइटल और फर्स्ट लुक जारी किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस फिल्म में नए एक्टर और एक्ट्रेस को मौका देने के लिए फिल्म के निर्माता ने इस मूवी में नए एक्टर्स को मौका देने का संकल्प किया है। उसी के मुताबिक होमबले फिल्म सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन दिया है जिसमें लिखा गया है कि अगर आपके भीतर छिपी प्रतिभा दिखाकर मौका पर चौका मारना चाहते हो, सलार में एक्टिंग का मौका मिस मत करें। इसके लिए ऑडिशंस 15 तारीख होने हैं, यानी कि आज, और हैदराबाद के सीमावर्ती क्षेत्र गच्ची बावली स्थित एल्यूमिनियम फैक्ट्री में होने वाले। अगर आप भी ऑडिशन देना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये सुनहरा मौका हो सकता है। और 9 बजे से 6 बजे तक ऑडिशंस हैं। हालांकि इसके लिए 1 मिनट की एक्टिंग का वीडियो साथ लाना है ऑडिशंस में, और टैलेंट वाले किसी भी उम्र के लोग इस ऑडिशंस में भाग ले सकते हैं और सभी कैटेगरियों में ऑडिशंस होंगे। फिल्म सरार में आपको बाहुबली प्रभास दिखेंगे जो कि धमाका मचाने को तैयार है।
थे। वहीं आपको बता दें फिल्म निर्माण संस्था के मुताबिक हैदराबाद के, बेंगलुरु, चेन्नई में भी इसी तरह का ऑडिशन आयोजित किया जाएगा। फिल्म के निर्माताओं ने बताया कि अगले महीने शूटिंग कर उसी साल इसे रिलीज़ किया जाने का प्लान है, यानी कि 2021 में ही आपको देखने को मिलेगी सलार। और इस सलार जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव नाम लग रहा है, प्रशांत नील ने इसके बारे में बताया। इसका नाम, इसका मतलब जो होता है वो कमांडर इन चीफ होता है, यानी कि कमांडर के रोल में नज़र आएंगे। और फर्स्ट लुक में जैसा कि साफ होता है कि एक गन के साथ नज़र आ रहे प्रभास काफ़ी डैशिंग लग रहे हैं। और प्रभास के पास फिल्मों की लाइन है दोस्तों, आदि पुरुष में वो नज़र आने वाले हैं, प्रभास 21 और भी बहुत सारी फिल्में हैं प्रभास की। आपको कितना इंतज़ार है प्रभास की फिल्मों का और सलार का, नीचे कमेंट सेक्शन में। प्रभास और सलार की टीम और ये मुसीबत कितनी बड़ी है जिसका सामना नहीं कर पा रहे हैं वो। क्या इस मुसीबत से फिल्म की शूटिंग रुक सकती है? क्या प्रभास की फिल्म सलार आने में डिले हो सकती है? क्यों श्रुति हसन को टोल का निशाना सहना पड़ रहा है और क्यों 2017 की बात 2021 में सामने आ रही है? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, मेरा नाम है निदा और आज मैं बात करने वाली हूँ प्रभास की, श्रुति हसन की और फिल्म सालार की। जैसा कि आपको पता है कि प्रभास पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं और जिसका फायदा वो उठा भी रहे हैं। प्रभास ने अपनी आने वाली फिल्मों की अनाउंसमेंट कर दी जिसमें सालार है, राधे श्याम है और आदि पुरुष भी शामिल है। प्रभास ने राधे श्याम की शूटिंग कम्प्लीट कर ली है, अब वो तैयार हो गए हैं सालार के लिए। आपको बता दूं कि KGF फेम प्रशांत नील इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं। प्रशांत नील और प्रभास दोनों ही ऑडियंस की नब्ज जानते हैं क्योंकि फिल्म सालार आने से पहले ही ऑडियंस में बहुत बज बना चुकी है। इस फिल्म के बारे में लोग बहुत जानना चाहते हैं कि फिल्म की शूटिंग कब स्टार्ट हो रही है, क्या होने वाला है। बाकी आपको बता दूं कि इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है लेकिन बहुत सारी ऐसी मुसीबतें हैं जिसका सामना प्रभास और उनकी टीम को करना पड़ रहा है। यहां तक कि ये खबरें आ रही थी कि फिल्म की शूटिंग रुकने वाली है, लेकिन क्या है पूरा मामला? आपको बता दूं कि सलार की शूटिंग तेलंगाना के दूर दराज इलाकों में होनी है। सोर्सेस का कहना है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान नक्सलवादियों का थोड़ा सा हस्तक्षेप है जिसकी वजह से इस फिल्म की शूटिंग नहीं हो पा रही है। इस बात के डर से प्रभास ने पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म किया है और उन्होंने अपनी पूरी टीम को वहां पर भेज दिया है। उनकी निगरानी में फिल्म की शूटिंग होगी और स्टार्ट रहेगी, उसके बाद भी पुलिस वहां पर मौजूद रहेगी। उन्होंने प्रभास को आश्वासन दिया है कि आप अपनी शूटिंग स्टार्ट रखिए, किसी तरह की भी कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी प्रभास फिल्म सालार में एक्शन करने वाले थे, फिल्म स्टार्ट होने से पहले ही उन्हें रियल लाइफ में एक्शन करना पड़ गया। बाकी रियल लाइफ हीरोज पुलिस ने उनको बचा लिया, उनको सिक्योरिटी दे दिए। प्रभास तो बच गए लेकिन श्रुति हसन फंस गई। उन पर किस बात पर ट्रोल निशाना साध रहे हैं? कहते हैं जो बोगे वो पाओगे। 2017 में श्रुति हसन ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि वो किसी कन्नड़ फिल्म का हिस्सा नहीं है और जो रूमर्स फैल रहे हैं फिल्म कन्नड़ इंडस्ट्री में शामिल होने के, वो सारे व्यर्थ हैं, बर्बाद हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अभी क्या कन्नड़ फिल्मों को फ्यूचर में भी नहीं करेंगी। वो 2017 का ट्वीट अब 2021 में वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि प्रभास की फिल्म सालार कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत नील जो कि KGF फेम डायरेक्टर हैं। तो ट्रोल उस ट्वीट को निकाल निकाल कर कॉमेंट कर रहे हैं, श्रुति हसन को बता रहे हैं कि आपने कहा था कि फ्यूचर में कन्नड़ फिल्मों को नहीं करेंगे लेकिन आप तो उसका हिस्सा बन गई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है श्रुति हसन को। चलो ट्रोल्स का एक तो फ़ायदा है कि जिनको नहीं खबर होगी उनको भी खबर हो जाएगी कि प्रभास की फिल्म सालार में श्रुति हसन कास्ट हो चुकी हैं, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये पब्लिसिटी भी हो गई है। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्मी रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को, जहाँ पर हम आपको हर फिल्मी खबर देते हैं। वाली हूँ प्रभास की फिल्म सालार की और उनकी आने वाली नेक्स्ट प्रोजेक्ट आदि पुरुष की। साल के खत्म होते होते न्यू ईयर में लोगों ने बहुत प्रार्थना प्रेयर्स की कि ये साल काफी अच्छा जाए। अब पता नहीं कैसा लोगों का साल जा रहा है लेकिन प्रभास का ये साल बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा है। जब से उनकी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई है, चाहे वो सालार हो या फिर आदि पुरुष हो, इन दोनों ही फिल्मों में कोई ना कोई मुसीबत सामने आती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आपको पता है कि प्रभास ने फिल्म राधे श्याम की शूटिंग कंप्लीट कर ली है और वो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट सालार के लिए लग गए थे। जब फैंस को पता चला कि प्रभास की सालार की शूटिंग स्टार्ट हो गई तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट एक जगह पर आकर रुक गई जब खबर आई कि फिल्म सालार की शूटिंग रुक गई है कुछ टेक्निकी सेफ्टी सिक्योरिटी की वजह से। बाद में वो मामला सुलझाया गया और पुलिस ने उनको सिक्योरिटी सेफ्टी भी प्रदान करी। इसके अलावा प्रभास ना सिर्फ सालार की बल्कि अभी खबर आ रही कि प्रभास ने आदि पुरुष की शूटिंग भी स्टार्ट कर दी है। आदि पुरुष एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। इस फिल्म को रामायण से इंस्पायर्ड किया जाएगा और इस फिल्म में प्रभास भगवान राम का और वहीं पर सैफ अली खान रावण का किरदार निभा रहे हैं और वहीं पर इस फिल्म में कृति सैनन सीता का किरदार
किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। लेकिन अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि कौन किसका किरदार निभाने वाला है, लेकिन प्रभास की एंट्री इस फिल्म में पक्की बताई जा रही है। इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट ही होनी थी, लेकिन मंगलवार की सुबह इस फिल्म के सेट पर काफी तेज आग लग गई और इस आग को बुझाने के लिए 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई। फायर ब्रिगेड ने इस तरह की आग को लेवल 2 घोषित किया, लेकिन आपको बता दूं कि ये बात बहुत अच्छी रही कि उस वक्त कोई सेट पर नहीं था और किसी को भी कोई चोट नहीं लगी। बाकी ये अच्छा हुआ कि उस वक्त कोई था नहीं वहां पर, नहीं तो चोट अगर लग जाती तो फिल्म आदि पुरुष की शूटिंग और दिन तक रुक जाती। ये मुसीबत तो कंट्रोल कर ली गई, लेकिन जब से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई है प्रभास की, चाहे वो सालार हो चाहे वो आदि पुरुष हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस हो ही रही है उनको। फिलहाल आपको बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है प्रभास की फिल्म आदि पुरुष के लिए। एक और कॉन्ट्रोवर्सी बहुत पहले खड़ी हो गई थी। इस फिल्म के एक्टर सैफ अली खान ने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी, ऐसे कॉमेंट्स कर दिए थे, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज खड़ी हो गई थी। उन्होंने कहा था इस फिल्म में रावण के किरदार को एक अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा और उसके साइड ऑफ स्टोरी भी दिखाई जाएगी। खैर ये कंट्रोवर्सी तब रुक गई जब सैफ अली खान ने माफी मांग ली। आपको बता दूं जो इस फिल्म के डायरेक्टर है ओम रावत, उन्होंने कहा था कि इस फिल्म की कहानी उनके पास एक साल पहले ही दर्ज हो गई थी। अब उन्होंने इस फिल्म में सैफ अली खान, प्रभास जैसे बड़े स्टार्स को कास्ट कर लिया है और ये फिल्म बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज होगी, तो इस फिल्म का जो स्केल है वो बहुत बड़ा होने वाला है और इस फिल्म की व्यूअरशिप भी काफी बढ़ेगी। बाकी देखना है कि प्रभास की फिल्म की शूटिंग तो कंप्लीट हो जाएगी, बाकी होप करते हैं कि अब कोई मुसीबतें प्रभास की फिल्म सालार आदि पुरुष या किसी फिल्म में ना आए, ताकि वो फिल्म किसी तरह का भी डिले ना पाए। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये थे प्रभास की फिल्म सालार आदि पुरुष के कुछ फैक्ट। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्म रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। बिल्लुक में प्रभास बहुत प्यारे लग रहे थे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं राधा कृष्ण और उन्होंने कहा था कि यह फिल्म में एक लव स्टोरी होने वाली है और एक अलग तरह की प्यारी सी लव स्टोरी होने वाली है। इस फिल्म में पुनर्जन्म लव स्टोरी दिखाई जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट ना बहुत पुराना तो है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सफल नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों। तो अब देखना है कि राधे श्याम में क्या प्रभास इस कॉन्सेप्ट को सफल कर पाएंगे। फिलहाल आपको बता दूं उनके अपोजिट पूजा हेगड़े नजर आने वाली हैं। पूजा हेगड़े इस वक्त अपने करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। इससे पहले तो वो अल्लू अर्जुन और जूनियर NTR के साथ फिल्म कर चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका जो करियर है वो काफी पैडल मार रहा है और सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो देखना है कि प्रभास की इस फिल्म राधे श्याम से उनके करियर को एक अलग दिशा मिल सकती है, जीवन दान मिल सकता है। फिलहाल यही नहीं, पूजा हेगड़े बॉलीवुड में भी कदम रख चुकी है। ऋतिक रोशन की मोहनजोदड़ो में दिखाई दी थी और उस मोहनजोदड़ो को किसी ने नहीं देखा था, वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी बॉक्स ऑफिस पर। कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है, वैसे पूजा हेगड़े की पिक्चर अभी बाकी है और उनकी नेक्स्ट फिल्म आने वाली है बॉलीवुड फिल्म, जिसमें एक है सर्कस और दूसरी है कभी ईद कभी दिवाली। ये दोनों फिल्में पूजा हेगड़े के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये फिल्म राधे श्याम भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रभास की फिल्म राधे श्याम के जो ओवरसीज राइट्स हैं वो 22 करोड़ में बिक गए हैं और अगर जनरल परसेप्शन के तौर पर देखा जाए तो ये अच्छा फिगर है, अच्छी प्राइस वैल्यू है। लेकिन अगर प्रभास की लास्ट फिल्म से कंपेयर किया जाए, जो लास्ट फिल्म की साहो, उसको मिले थे 42 करोड़ रुपए, लेकिन साहो को किसी ने नहीं सहा था, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। तो ये देखना है कि फिल्म अब 22 करोड़ में राइट्स तो बिक गए हैं, लेकिन फिल्म कितना अच्छा प्रदर्शन करेगी ये देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और प्रभास की फिल्म राधे श्याम पर बहुत सारी चीजें टिकी हुई हैं, क्योंकि प्रभास की ये फिल्म अगर फ्लॉप हो गई तो आने वाली जो उनकी डील्स हैं वो रुक जाएंगी और प्रभास का जो एक स्टारडम है उसमें एक स्टार भी कम हो सकता है। अब देखना है कि क्या होगा, नहीं तो लव स्टोरी है तो ऑडियंस को शायद ये फिल्म पसंद आ जाए और प्रभास की खुद की लव स्टोरी भी शायद इस फिल्म के बाद स्टार्ट हो जाए, क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि वो शादी करने वाले हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। हो सकता है कि वो बंधन में बन जाएं और शादी कर लें और पोस्ट डाल दें। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसा करते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, प्राइवेट सेरेमनी कर लेते हैं और उसके बाद पिक्चर्स डालते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है फिल्म के बारे में, आप बात कर सकते हैं, बता सकते हैं और वैलेंटाइंस डे के गिफ्ट क्या देने वाले हो पार्टनर्स को, ये भी बताना जरूर। आज के लिए सिर्फ इतना। प्रभास की फिल्म को बड़ा या घटा सकती है क्या? इस कॉन्ट्रोवर्सी से प्रभास की इमेज पर कोई असर पड़ेगा? क्या है वो पूरी कॉन्ट्रोवर्सी? क्या ये प्री प्लान्ड प्लानिंग है या फिर है सिर्फ पब्लिसिटी? किस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करी है और किस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करी है प्रभास ने? स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। मेरा नाम है निदा और आज मैं बात करने वाली हूँ प्रभास के बारे में। इनकी बहुत सारी फिल्म आ रही है 2021 में, जिसकी वजह से बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो अगर आप प्रभास के फैन हैं तो ये आपके लिए ट्रीट होने वाली है। जैसे अंताक्षरी खेलने से पहले प्रभु का नाम लेते हैं, वैसे ही इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बॉलीग्रैड स्टूडियोज।
वीडियोस को ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके। प्रभास साउथ के अक्षय कुमार बनते जा रहे हैं, वो एक टाइम पर बहुत सारी फिल्म्स कर रहे हैं। आपको बता दूं कि राधे श्याम की शूटिंग कंप्लीट कर ली है और इसके बाद वो गियर अप हो गए हैं फिल्म सालार के लिए। इतना ही नहीं, प्रभास बहुत ही जल्द आदि पुरुष की शूटिंग भी स्टार्ट कर देंगे क्योंकि आदि पुरुष क्लोज पर जा चुकी है और इसकी शूटिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। लेकिन फिल्म आदि पुरुष जब से अनाउंस हुई है तब से कुछ न कुछ इस फिल्म के बारे में आता जा रहा है और मेरा आने से मतलब ये है कि इस फिल्म की कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत हो रही है। इंडिया में पॉलिटिशियन कुछ भी कह जाते हैं तो कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं होती हैं, लेकिन अगर एक्टर कुछ कह जाता है या कुछ फिल्म में कर जाता है तो बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज पैदा हो जाती हैं। ऐसे ही फिल्म आदि पुरुष के लिए बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज पैदा हो गई हैं। तो ऐसी कौन कौन सी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं जो आदि पुरुष के लिए बुरी साबित हो सकती हैं और प्रभास को नीचे ला सकती हैं, और कौन सी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी है जो उनको ऊपर भी ला सकती है, तो आज आपको मैं बताऊंगी पॉइंट बाय पॉइंट। इससे पहले मैं शुरू करती हूँ कि आदि पुरुष है क्या। तो आपको बता दूं कि जैसे कि इंडियन एपिक टेल है जो बताती है हमें कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, उसी मिथोलॉजी को लेते हुए इस फिल्म में दिखाया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन मिथोलॉजी लॉर्ड राम को आदि पुरुष भी कहा जाता है और इस फिल्म में आदि पुरुष का किरदार निभाएंगे प्रभास, और वहीं पर रावण का किरदार निभाने जा रहे हैं सैफ अली खान। सैफ अली खान बहुत सारे निगेटिव शेड्स में दिख चुके हैं और इस फिल्म में भी वो निगेटिव शेड में दिखने वाले हैं। अब देखना है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी अच्छी होने वाली है कि नहीं होने वाली है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इन दो बेहतरीन सेलिब्रिटी के अलावा इस फिल्म में कृति सैनन का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, लेकिन अभी वो फाइनलाइज नहीं हुई है। तो अगर फिल्म में कृति सैनन को कास्ट किया जाता है तो वो सीता का किरदार निभाएंगी। इस फिल्म में स्टार वॉर्स अवतार जैसी बड़ी हॉलीवुड की टीम इस फिल्म का वीएफएक्स भी संभाल रही है, यानी कि इस फिल्म के वीएफएक्स थग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसे तो नहीं होने वाले हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा जब आप ये बड़े पर्दे पर देखेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं कि ओम राउत के डायरेक्शन में बन रही फिल्म आदि पुरुष क्यों कॉन्ट्रोवर्सीज का शिकार हो रही है और क्या है ऐसी बात फिल्म से रिलेटेड कि लोगों को पसंद नहीं आ रही है। इस फिल्म के जो रावण का किरदार निभा रहे हैं सैफ अली खान, उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी ऐसे कमेंट्स कर दिए थे कि कुछ लीडर्स को वो बिल्कुल पसंद नहीं आए। आपको बता दूं कि उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में मुझे मजा आ रहा है कि मैं रावण का किरदार निभा रहा हूं और इस फिल्म में रावण के ह्यूमन साइड को भी दिखाया जाएगा, यानी कि वो भी एक इंसान था, उसकी साइड ऑफ स्टोरी भी इस फिल्म में दिखाई जाएगी। इसके अलावा उसने क्यों सीता को अगवा किया इस फिल्म में उसके बारे में भी बताया जाएगा, जिसके बाद कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने ये बात बिल्कुल हजम नहीं करी और उन्होंने एक पेटिशन भी साइन किया कि मेरी पार्टी ये चीज टॉलरेट नहीं करेगी। तो क्या हुआ कि उसके बाद सैफ अली खान ने लीगली माफी मांगी और फिर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला इस मुद्दे के बारे में। आपको बता दूं कि इसके अलावा ये पहली बार नहीं कि सैफ अली खान ने मुंह खोला है और किसी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी हो गई हो। इससे पहले तानाजी द अनसंग वॉरियर में भी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी और उस फिल्म में भी निगेटिव किरदार में थे सैफ अली खान और इस फिल्म का डायरेक्शन भी ओम राउत कर रहे थे। उस वक्त भी सैफ अली खान ने कुछ ऐसा कह दिया था, उन्होंने कहा था कि जो तानाजी की हिस्ट्री है वो एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है, जिसके बाद फिर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी पैदा हो गई थी। कभी कभी क्या होता है कि कॉन्ट्रोवर्सी ज्यादा बढ़ जाती है और बड़े से बड़े लीडर्स को फिर कूदना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ये कॉन्ट्रोवर्सीज फिल्म को मदद कर देती हैं, जैसे कि तानाजी, इस फिल्म को बहुत मदद हुई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सक्सेसफुल साबित हुई। अब देखना है कि क्या आदि पुरुष भी वही करने वाली है, क्या आदि पुरुष के साथ भी वही होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी अभी फिलहाल सिर्फ शूटिंग स्टार्ट हुई है और इस फिल्म के बारे में प्रभास ने कहा है कि वो बहुत लकी हैं और बहुत ज्यादा नर्वस भी हैं क्योंकि इस तरह का किरदार निभाने वाले हैं, और लॉर्ड राम का किरदार निभाना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आता है, बहुत सारी प्राइड भी लेकर आता है, तो वो डरे और प्राउड भी है काफी। तो अब देखना है कि वो इस फिल्म से कितना जस्टिस कर सकते हैं। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये थे प्रभास और उनकी फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, न्यूज के लिए, ट्रिवियाज के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टार फॉलोइंग का दिल तोड़ देंगे। किससे वो करने जा रहे हैं शादी और कब तक हो सकती है शादी, किस फिल्म का प्री टीजर रिलीज हुआ है और प्रभास का क्या कहना है। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में, मेरा नाम है निदा और आज मैं बात करने वाली हूँ प्रभास के बारे में। वैसे प्रभास के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, किस किस के बारे में बात होगी, लेकिन जनवरी जा चुका है, फरवरी आने वाला है और वैलेंटाइंस डे भी दस्तक देने वाला है। ये वो दिन होता है जब सिंगल्स कपल को देखकर दुखी होते हैं और कपल अपने वॉलेट को देखकर दुखी होते हैं, दुखी दोनों ही हो रहे होते हैं, लेकिन इस बार प्रभास के फैन बिल्कुल दुखी नहीं होंगे क्योंकि प्रभास की फिल्म का टीजर रिलीज होने वाला है। अभी हाल ही में प्री टीजर रिलीज हुआ है और इस पर फैंस ने काफी प्यार किया है। आपको बता दूं कि प्रभास की राधे श्याम का टीजर प्री रिलीज कर दिया गया है और इसमें राधे श्याम में जो टीजर शुरू होता है उसमें बाहुबली से स्टार्टिंग होती है, उसके बाद साहो तक पहुंचते हैं और अंत में प्रभास का लुक सामने आता है जो राधे श्याम में होने वाला है। उस टीजर में मैं आपको बता दूं कि प्रभास वॉक करते हुए जा रहे हैं और अपने आप में ही मुस्कुरा रहे हैं और स्नोफॉल हो रहा है। ये टीजर बहुत ही प्यारा है, मुश्किल से 10 सेकंड का होगा ये पूरा टीजर, और ये पूरा टीजर
टीजर रिलीज हो रहा है वैलेंटाइंस डे के दिन, यानी कि प्रभास के फैंस के लिए तो पूरा प्लानिंग हो गई है कि वो क्या देखने वाले हैं, लेकिन सिंगल और कपल्स क्या देखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? अगर आपके कोई प्लान है तो आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। बाकी आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो डायरेक्शन कर रहे हैं राधे कुमार, वो इस फिल्म को लेकर काफी खुश हैं। ये एक लव स्टोरी होने वाली है जिसमें प्रभास का एक नया अवतार आपको देखने को मिलेगा। तो उन्होंने क्या कहा इस फिल्म के बारे में, इस टीजर के बारे में, आपको बता दूं कि वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा खुश हैं और 14 फरवरी को ऐसी लव स्टोरी आने वाली जिससे फैंस काफी खुश हो जाएंगे। वैसे चलो देखते हैं कि क्या लेकर आएगी ये फिल्म, क्या लव स्टोरी लेकर आने वाली है और कितना मजा फैंस को आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी लव स्टोरीज आ चुकी हैं। तो क्या किसी कॉपी पेस्ट होने वाली है कहानी, या फिर कोई ओरिजिनल लव स्टोरी जो इंसान को छू जाएगी दिल तक, या उस तरह की निकलने वाली है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आगे चलते हैं, सालार के बारे में बात करते हैं कि सालार की शूटिंग अभी स्टार्ट हुई है और बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से ये फिल्म की शूटिंग चल के रुक के फिर से स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा प्रभास ने आदि पुरुष के लिए भी शूटिंग स्टार्ट कर दी है, तो आपको 2021-22 तक वेट करना पड़ेगा इन दोनों ही फिल्मों का। तो अब इसका टीजर कब आएगा ये तो कहना बहुत ही मुश्किल रहेगा। खैर आगे चलते हैं कि क्या प्रभास सच में शादी करने वाले हैं, क्या इस पवित्र बंधन में इस बार प्रभास बंध जाएंगे, क्या फैन फॉलोइंग का अपना दिल तोड़ने वाले हैं प्रभास, क्या ये अफवाह है या फिर सच्चाई कुछ और है। तो आपको बता दूं कि प्रभास ने अभी हाल ही में 41st बर्थडे मनाया है और अब उनकी उम्र ऐसी हो गई है जब लोग कहने लगते हैं कि भाई अब तो तुम शादी कर ही लो। तो इस वक्त ये खबर आ रही है कि प्रभास सच में शादी करने वाले हैं, लेकिन आपको बता दूं कि अभी लास्ट ईयर राणा दुर्गावती, निखिल सिद्धार्थ, नितिन काजल अग्रवाल, निहारिका और बहुत सारे अलग अलग सेलिब्रिटीज ने शादी रचाई थी। तो अब ये हो गया कि प्रभास कब शादी कर रहे हैं। अब आपको बता दूं कि एक खबर आई कि अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर कंपनी के जो ओनर हैं उनकी बेटी से वो शादी करने जा रहे हैं और इन दोनों के परिवार वाले बिल्कुल राजी हैं और शायद लड़की भी राजी है, लेकिन प्रभास ने अभी कुछ हाँ नहीं बोला है, लेकिन शायद वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। तो अगर वो हाँ कर देते हैं तो पूरी घोड़ी वोड़ी चढ़ने वाले हैं वो इस साल और खूब धूम धमाके के साथ शादी होने वाली है। फिलहाल आपको बता दूं कि इससे पहले प्रभास का नाम बहुत सारे एक्ट्रेस के साथ जुड़ा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे गहरा लिंकअप जिनसे हुआ है वो है अनुष्का शेट्टी, जो बाहुबली में उनकी को स्टार थी। इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत प्यारी थी ऑन एंड ऑफ द कैमरा, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये दोनों डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन इन दोनों ने हमेशा ही मीडिया के सामने और हमेशा यही कहा कि हम डेट नहीं कर रहे हैं। अब फिलहाल क्या सच्चाई थी ये तो दोनों ही जाने, लेकिन अब देखते हैं कि प्रभास सच में ये रिश्ते को कबूल करने वाले हैं, क्या इस बार वो हाँ कर देंगे और क्या इस बार फिल्म के साथ साथ अपनी दुल्हन को भी घर ले आएंगे। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, स्टार्स के बारे में जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टूडियोज को, जहाँ पर हम आपको हर फिल्मी खबर देते हैं। प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, लेकिन अभी ये ऑफिशियल नहीं है, तो हो सकता है कि ये रूमर भी हो, लेकिन प्रभास का इतना स्टारडम है, इतनी पॉपुलैरिटी है, तो ये रूमर तो नहीं लग रहा है। तो फिर बात करते हैं कि प्रभास ने फिल्म सालार के लिए कितने रुपए चार्ज किए हैं, उनकी कितनी सैलरी है फिल्म सालार के लिए। तो इससे पहले आप अजम्पशंस लगाएं, कैलकुलेशन करें। आपको मैं बता दूं जल्दी से कि प्रभास ने सालार के लिए 100 करोड़ रुपए लिए हैं। 100 करोड़ रुपए, मतलब यहाँ पर बात करोड़ों से ही हो रही है। यहाँ पर इंसान की CTC अलग और हैंड इन हैंड सैलरी अलग आती है और यहाँ पर लोग 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। परेशान नहीं होते हैं और आगे चलते हैं महेश बाबू की तरफ। आपको बता दूं कि एक फिल्म के लिए 80 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और ये साउथ का सुपरस्टार अपने आप में एक अलग स्टारडम रखता है। महेशी से इन्होंने एक अलग ही बज क्रिएट कर लिया और एक अलग स्टारडम में पहुंच गए। आपको बता दूं कि डायरेक्टर फिल्म मेकर्स को इस स्टार के ऊपर इतना भरोसा है, इनको प्रोजेक्ट में लेना चाहता है और कोई भी इनको इतना पैसा देना चाहता है और इतने ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लेना चाहता है। यहां तक कि आपको बता दूं कि महेश बाबू का हर एक फिल्म 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ, पवन कल्याण की तरफ, जो एक फिल्म के लिए 55 करोड़ रुपए लेते हैं। आपको बता दूं कि ये पहले लेते थे 25 करोड़ रुपए, लेकिन इन्होंने फीस अपनी बढ़ा दी है और अब ये लेने लगे हैं 55 करोड़ रुपए। ये सुपरस्टार 2 साल बाद कमबैक कर रहा है और इनकी नेक्स्ट फिल्म होने वाली है वकील साहब। अब देखना है कि इसके रिलीज के बाद क्या ये मास्टर अपनी सैलरी बढ़ाएगा। इसके बाद चलते हैं थलाइवा की तरफ, यानी कि रजनीकांत की तरफ, यानी कि जब मीम्स नहीं थे तब रजनीकांत थे, यानी कि उनके जोक्स थे। तो आज आपको बता दूं कि ये कितनी सैलरी या फीस लेते हैं एक फिल्म का। तो अगर सोर्सेज की बात माने तो रजनीकांत एक फिल्म के लिए 50 से 60 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और यहाँ तक कि ऑडियंस को अपने दम पे अपने नाम से थिएटर तक ला सकते हैं। रजनीकांत की लास्ट फिल्म थी दरबार, जिसके लिए उन्होंने 90 करोड़ रुपए चार्ज किए थे और रजनीकांत की इससे पहले की फिल्म जैसे कि लिंगा, कबाली 2.0 और दरबार, ये सारी फिल्में फ्लॉप्स थी, लेकिन कोई भी स्टारडम पे इनका असर नहीं पड़ा। आपको बता दूं उसके बावजूद ऑडियंस बुरी तरीके से पागल है रजनीकांत के लिए और जैसे ही पता चलता है कि रजनीकांत किसी
फिल्म में आ रहे हैं, लोग ऑडियंस बुरी तरीके से पहुंच जाती है इनके लिए। इसके अलावा चलते हैं चिरंजीवी की तरफ। आपको बता दूं कि एक फिल्म के लिए 40 से 50 करोड़ रुपए लेते हैं। अब एक सुपरस्टार के बारे में बात करती हूँ, यंग फीमेल ऑडियंस में काफी पॉपुलर है, उसका नाम है अल्लू अर्जुन। ये अपनी फिल्म के लिए 14 से 18 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इससे पहले वो 12 करोड़ रुपए लेते थे फिल्म का, लेकिन अब उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी है क्योंकि इनकी बैक टू बैक फिल्म्स हिट हो रही हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी सैलरी बढ़ा दी है, फीस बढ़ा दी है। अब देखना है कि अगर ये ऐसे ही जाते रहे तो ये एक दिन प्रभास को पीछे ना छोड़ दें सैलरी लेने में। अब आगे चलते हैं कमल हासन की तरफ। ये लेते हैं 15 से 17 करोड़ रुपए अपनी फिल्म के लिए और इनका स्टारडम अभी भी इतना है कि जिस फिल्म में आ जाते हैं उस फिल्म में ऑडियंस पक्का थिएटर रिलीज पर आती ही आती है। अब इनके दामाद को कैसे भूल सकते हैं, यानी कि धनुष को। धनुष एक फिल्म के लिए 14 से 17 करोड़ रुपए लेते हैं। आपको बता दूं कि ये सुपरस्टार्स ना सिर्फ तमिल इंडस्ट्री में बल्कि बॉलीवुड में भी काफी एक्टिव है और रिसेंटली इनकी फिल्म आ रही है अतरंगी रे, जिसमें सारा अली खान, अक्षय कुमार जैसे बड़े सुपरस्टार्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों तरफ ही पैडल मारते हैं और ये सुपरस्टार्स काफी अच्छा एक्टिंग और स्टारडम रखता है। न्यूज़पेपर खोल लो तो 500 करोड़ का स्पैम, 1000 करोड़ का स्पैम, और अगर फिल्मी इंडस्ट्री में चले जाओ तो 60 करोड़ 70 करोड़ बहुत ही आम लगने लग जाते हैं, जैसे लगता है कि कोई अहमियत ही नहीं है। वैसे देखना है कि आगे क्या होगा। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्मी रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो सब्सक्राइब कीजिए बॉस की। कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिनको ऑडियंस ने बुरी तरीके से नकार दिया था। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में, मेरा नाम है निदा। आज मैं बात करने वाली हूँ प्रभास की, और जब मैं प्रभास की बात करती हूँ तो मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि 5 साल में जो सबसे ज्यादा चीज बदली है अपने इंडिया में वो है बॉलीवुड में तमिल फिल्म बनना। हर एक फिल्म किसी न किसी फिल्म तमिल का रीमेक होती है। आपको बता दूं कि इतना सीरीज की कॉपी पेस्ट नहीं होता जितना फिल्मों का होने लगा है, तमिल फिल्मों का स्पेशली बॉलीवुड में। लेकिन जब भी तमिल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो दिल में एक ख्याल आता है सबसे पहले, और वो है प्रभास का। प्रभास इस वक्त तमिल इंडस्ट्री के वो एक महानायक हैं जिनका जिक्र हर बार होता है। लेकिन आपको पता है कि ये रातों रात स्टार नहीं है। कुछ फिल्में प्रभास की ऐसी हैं जिन्हें ऑडियंस ने बुरी तरीके से नकार दिया था, तो आज मैं उन्हीं फिल्मों के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले बात करूंगी 2003 में आई राघवेंद्र की। इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि इस फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ही बोरिंग था, सेकंड हाफ में भी काफ़ी ज़्यादा बोरियत थी, बल्कि इस फिल्म में जो फ्लैशबैक दिखाए गए हैं वो सबसे ज़्यादा बोर करते हैं। आपको बता दूं कि इस फिल्म में सेकंड हाफ में जो डायरेक्टर हैं उन्होंने थोड़ा सा स्पेस पकड़ा था, थोड़ी सी स्पीड पकड़ी थी, लेकिन फिल्म उतनी अच्छी बॉक्स ऑफिस पर खरी नहीं उतरी और इस फिल्म में स्टोरी लाइन भी काफी वीक थी। आपको बता दूं कि 2004 में आई अदावी रामोड़ो भी वैसे ही फिल्म निकली। इस फिल्म की मेन दिक्कत ये थी कि इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन थी वो थी ही नहीं। इस फिल्म में सिर्फ एक्शन सीन्स थे जो बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किए गए थे, इसके अलावा फिल्म में कुछ भी मौजूद नहीं था। हाँ, ये बात और थी कि इस फिल्म में प्रभास की एक्टिंग थोड़ी सी अच्छी थी जो ऑडियंस को बनाए रखती थी। 2003-2004 में बुरी तरीके से फ्लॉप होने के बाद प्रभास ने एक और फिल्म ऐसी करी जिसके बाद उनके पास 3 बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म हो गई, जिसका नाम था पूर्ण आर्मी। इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि इस फिल्म का जो सेकंड हाफ था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और हैवी था और फर्स्ट हाफ उतना ही बोरिंग था। जितनी भी प्रभास की फिल्में हैं उनमें एक चीज कॉमन ये है कि उन फिल्मों का फर्स्ट हाफ बहुत ही ज्यादा बोरिंग था। लेकिन इस फिल्म में आपको बता दूं कि डांस जॉनर था, इस फिल्म में काफी डांस सीन्स दिखाए गए हैं जो ऑडियंस को शायद पसंद नहीं आए। इसके अलावा इस फिल्म का जो मेन विलन था वो भी काफी अधूरा सा महसूस होता है। उस फिल्म का जो कैरेक्टर है वो एकदम से गायब हो जाता है, जो ऑडियंस को समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। कहते हैं इंसान तब तक नहीं सीखता जब तक वो अपनी गलतियों से नहीं सीख पाता, और शायद प्रभास इन गलतियों से नहीं सीखे थे। तभी 2012 में प्रभास ने फिल्म रेबल की। ये फिल्म भी वैसे ही फिल्मों की तरह निकली। इस फिल्म में कहानी काफी कमजोर थी और इस फिल्म में एक स्टाइलिश एक्शन दिखाया गया। ये फिल्म पूरी तरीके से स्टाइलिश थी क्योंकि इस फिल्म में जो एक्शन है वो बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किए गए हैं। इसके अलावा इस फिल्म में कॉमेडी भी है लेकिन थोड़ी सी हल्की फुल्की है जो ऑडियंस को बिल्कुल हंसा नहीं पाती है। आपको क्या लगता है कि जितनी फिल्में प्रभास की फ्लॉप हुई हैं क्या इन फिल्मों में प्रभास की राधे श्याम और सालार जोड़ सकती है? आपको क्या लगता है कि क्या फिल्म सालार का फर्स्ट हाफ कमजोर हो सकता है? क्या इन दोनों फिल्मों में कोई एक फिल्म फ्लॉप हो सकती है? आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्मी रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टूडियोज को। आज का फर्स्ट लुक शेयर किया है जो काफी दिलचस्प है। आपको बता दें कि बाहुबली स्टार जल्द ही KGF फिल्म के डायरेक्टर यानी कि प्रशांत नील की फिल्म सलार में नजर आएंगे।
प्रभास पोस्टर पर गन थामे हुए मजेदार लुक में नजर आ रहे हैं। जहां प्रभास ने इनकी जानकारी दी है, वहीं तरण आदर्श ने एक ट्वीट में लिखा है कि बिग न्यूज, प्रभास ने KGF डायरेक्टर के साथ फिर से हाथ मिलाया है। प्रभास डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ एक एक्शन फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर KGF निर्माता विजय किरगंदर हैं। प्रभास ने बताया कि फिल्म की शूटिंग इस साल से शुरू हो जाएगी। इस पोस्ट के पोस्टर में प्रभास काफी बेहतरीन लुक में नजर आ रहे हैं। फिल्म का लुक देखकर उनके फैंस भी बेहद उत्सुक हैं। अब कुछ ही दिनों पहले ऐसी खबर सामने आई थी कि डायरेक्टर प्रशांत नील ने बाहुबली स्टार प्रभास से हैदराबाद में मुलाकात की है और उन्हें एक फिल्म की कहानी सुनाई है जो एक्टर को काफी पसंद आई है। अभी मेकर्स ने इसे किसी भाषाई सीमा में बांधने के बजाय इंडियन फिल्म का नाम दिया है, जिसमें एक जबरदस्त एक्शन दिखने वाला है। आपको बता दें कि मेगा बजट फिल्म सलार के रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी होमले फिल्म्स ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि ये फिल्म 14 अप्रैल को दुनिया भर में रिलीज होगी। अब फिल्म में प्रभास के ऑपोजिट श्रुति हसन नजर आने वाली है। ये दोनों की साथ में पहली फिल्म होगी। हालांकि फिल्म को लेकर अभी बाकी डिटेल्स का इंतजार है। वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रभास तानाजी द अनसंग वॉरियर के निर्देशक ओम राउत की मेगा बजट फिल्म आदि पुरुष में लीड रोल निभा रहे हैं, जो मैथोलॉजिकल फिल्म है। ये फिल्म 2022 में 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में, जहाँ हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर बात तो सभी करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं है। अरे नहीं, घबराइए नहीं, हम कोई ऐसे वैसे टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारी कॉपी करने की कला के बारे में। जब बचपन में हम नकल करते थे तो सब कहते थे कि नकल करना बुरी बात है। फिर जब हम थोड़ा और बड़े हुए तो सबको कहते सुना नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। बस इसी बात को हिंदी सिनेमा ने अपना आदर्श ही बना लिया। बॉलीवुड में रोहित शेट्टी ने साउथ सिनेमा की इतनी मूवीज का हिंदी रीमेक बना दिया है कि अब साउथ अपनी मूवीज को हिंदी में भी रिलीज करने लगा है। लेकिन कुछ ऐसे ही मूवीज भी हैं जो हिंदी में डब नहीं है और आगे भी आती रहेंगी। उसी में से एक एक्शन मूवी सलार है, जिसमें KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील ने प्रभास के साथ हाथ मिला लिया है और इस फिल्म में प्रभास बहुत ही खतरनाक अंदाज में नजर आने वाले हैं। प्रभास की फिल्म सलार का फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज हो गया है, जिसमें प्रभास बहुत ही डैशिंग और खतरनाक स्टाइल में दिख रहे हैं। प्रभास ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का ये फर्स्ट लुक रिलीज किया है और इस पोस्टर पर फैंस ने खूब अच्छे से रिएक्ट भी किया है। प्रभास ने सलार का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है, आज मैंने सलार की दुनिया में कदम रख दिया है। शूटिंग 21 जनवरी 2021 से शुरू की जा चुकी है। इस तरह प्रभास की फिल्म का पोस्टर रिलीज होते ही फैंस में जबरदस्त उत्साह है और वे इस तरह लगातार कमेंट भी कर रहे हैं। वैसे भी प्रभास का एक्शन अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आता है। प्रभास के पास इन दिनों बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और उनकी सभी फिल्में बड़े प्रोजेक्ट की फिल्में हैं। प्रभास की अगली फिल्म राधे श्याम है, जिसमें उनके साथ पूजा हेगड़े नजर आने वाली है। यही नहीं, वह ओम राउत के साथ आदि पुरुष भी कर रहे हैं, जो एक भव्य फिल्म होने वाली है। इसके बाद उनकी फिल्म दीपिका पादुकोण के साथ है, जिसको नाग अश्विनी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है मनीषा जैन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जाने माने फिल्म डायरेक्टर प्रशांत नील की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म सलार की रिलीज डेट सामने आ गई है। ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म फ्रेंचाइजी KGF के लिए जाने जाने वाले प्रशांत नील ने ट्विटर पर फिल्म की रिलीज डेट की तारीख फिल्म के पोस्टर के साथ शेयर किया। प्रभास के लुक की फोटो शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा था, एक्शन फिल्म सलार द मोस्ट वायलेंट मैन, जिसे वन मैन कहा जाता है, द मोस्ट वायलेंट सिनेमा के लिए प्यार भाषा की बंदी से तोड़कर आपके लिए प्रस्तुत है। दोस्तों, पोस्टर बहुत डरावना है। इसमें प्रभास का ये लुक वन मैन आर्मी को शो करता है। पोस्टर में प्रभास के बैकग्राउंड को देखें तो चारों तरफ धुआं धुआं है और शायद लाश भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। अब ये कोई एक्शन सीन है जहां प्रभास लड़ाई खत्म करके बाहर आ रहे हैं या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? वेल, ये कहना बहुत मुश्किल है।
पोस्टर में बताया गया ये फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज होगी, जहां फिल्म में नजर आएंगे सुपरस्टार प्रभास और उनके अपोजिट नजर आएंगी श्रुति हसन। दोस्तों आपको बता दें कि प्रभास की अपकमिंग फिल्म सलार की टीम ने हाल ही में 15 जनवरी 2021 को मुहूर्त पूजन किया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई थी। इस फिल्म को अब तक की सबसे बेहतरीन एक्शन फिल्म कहे जाने की बात सामने आ रही है। प्रभास इस फिल्म के साथ एक नए अवतार में नजर आने वाले हैं और अपने कैरेक्टर में ढल जाने के लिए प्रभास इस पर काफी मेहनत भी कर रहे हैं। फिल्म के बारे में बात करते हुए प्रभास ने कहा, मैं हमेशा से ही होमवेल फिल्म के साथ काम करना चाहता था। मुझे नहीं लगता कि एक एक्टर के तौर पर मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी का अवसर कोई और हो सकता है। दोस्तों फिल्म की रिलीज डेट सामने आने के बाद फैंस में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। इस फिल्म की रिलीज डेट ऐलान होने के साथ ही जहां इस मोस्ट अवेटेड फिल्म के इंतजार में फैंस खुशी से झूमने लगे हैं, तो वहीं फिल्म की रिलीज डेट के ऐलान के साथ ही बॉलीवुड स्टार वरुण धवन चिंता में पड़ गए हैं। दरअसल ठीक इसी दिन वरुण धवन और कृति सैनन स्टारर फिल्म की रिलीज होने वाली है। अब ऐसे में क्या डिसीजन लेते हैं कि मेकर्स, क्या दोनों में क्लैश होगा या फिर फिल्म की रिलीज डेट आगे पीछे शिफ्ट होगी? वेल, वैसे तो अभी हम खुशी मनाते हैं, बाद की बात बाद में देखी जाएगी। कौन है दोस्तों प्रभास की लीड मूवी सलार में और क्यों है ये हीरोइन इतनी ज्यादा चर्चा में, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे मूवी सलार की। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि उनका जन्म 28 जनवरी 1986 को हुआ था। दोस्तों उन्होंने अपनी पढ़ाई चेन्नई के अबेकस मॉन्ट्री स्कूल से की थी और दोस्तों बाद में उन्होंने मुंबई के सेंट एंड्रियो कॉलेज से मनोविज्ञान की डिग्री भी हासिल की है। और दोस्तों जब वो 18 साल की थी तब वो चेन्नई से अमेरिका की ओर म्यूजिक सीखने चली गई थी। दोस्तों कमल हसन द्वारा निर्देशित 2000 में जो फिल्म आई थी हे राम, उसमें इस हीरोइन को पहली बार बड़े पर्दे पर देखा गया था। तो अब दोस्तों मैं इतनी देर से हीरोइन का नाम बिना लिए बात कर रही हूँ, तो शायद आप कमल हसन का नाम सुनकर समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं श्रुति हसन की ही बात कर रही हूँ। दोस्तों श्रुति हसन ने इस फिल्म में वल्लभ भाई पटेल की बेटी का किरदार निभाया था। इसके बाद साल 2009 में एक मल्टी स्टारर हिंदी फिल्म लक में हमें श्रुति हसन बड़े पर्दे पर बड़े एक्टर के साथ नजर आई थी। अब दोस्तों श्रुति हसन की ये फिल्म हो गई फ्लॉप और इसके बाद श्रुति हसन को बहुत क्रिटिक्स का सामना करना पड़ा, लोगों के बहुत कमेंट्स का सामना करना पड़ा। इस फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद भी श्रुति हसन ने उम्मीदें नहीं छोड़ी और साल 2011 में उन्होंने फिर तमिल फिल्म के साथ डेब्यू किया। उस फिल्म में उनके साथ सिद्धार्थ नजर आए थे और उस फिल्म को काफी अच्छी शुरुआत भी मिली और आलोचकों ने भी इस फिल्म को काफी सराहना दी थी। इसके बाद श्रुति को बहुत पहचान मिलने लगी और बॉलीवुड में भी उन्हें कई ऐसी फिल्में मिली जिसके बाद उनकी पहचान बॉलीवुड में भी बन गई। उन्हें हमने दिल तो बच्चा है, जीरा मैया वस्ता वैया और गब्बर इज बैक जैसी बड़ी फिल्मों में बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हुए देखा, जिसकी वजह से उनके बहुत ज्यादा फैंस भी बन गए। और दोस्तों अब मैं आप सभी को एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। 1997 में चाची 420 फिल्म का गाना आदित्य नारायण के साथ, यानी कि चुपड़ी चुपड़ी चाची, उसमें श्रुति हसन ने अपनी आवाज भी दी थी। इसके बाद 1992 में उन्होंने राम राम भी गाया। वैसे तो आज तक श्रुति हसन ने बहुत से आलोचकों का सामना किया है, उन्होंने बहुत से नेगेटिव कमेंट्स झेले, तो अब आने वाले साल में वो नजर आने वाली है प्रभास के साथ फिल्म सलार में, जो कि एक एक्शन मूवी होने वाली है। तो ये देखना बाकी होगा कि क्या श्रुति हसन इस फिल्म में कमाल कर जी। अब चैप्टर टू के डायरेक्टर कैसे मचाने वाले हैं सलार से धमाल, क्या मतलब है सलार का और इसके बारे में प्रशांत नील ने क्या कहा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो जैसे ही खबर आई सलार की और फर्स्ट लुक रिलीज किया गया, धड़कने बढ़ चुकी है और बहुत भयंकर बज बन चुका है सलार के लिए। प्रभास इसमें नजर आने वाले हैं और प्रभास का जो लुक है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है दोस्तों, पूरा डार्क शेड नजर आ रहा है और प्रभास बहुत सारा स्टनिंग लग रहे हैं, साथ ही उनके हाथ में गन नजर आ रही है। अब जब ये फिल्म का पोस्टर आया, एक हैरानी वाली बात ये थी, दूसरा इसका नाम सलार, जो कि समझ नहीं आ रहा था कि सलार का मतलब क्या होता है, लेकिन नाम बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था, तभी से लोग पूछने लगे कि आखिरकार ये सलार है क्या। तो प्रशांत नील को भी पता चल गया कि लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है भैया कि है क्या ये चीज सलार। तो अब प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू में बता दिया है कि क्या है मतलब सलार का दोस्तों। तो प्रशांत नील ने कहा कि मुझे पता चल गया था कि बहुत सारे लोग अलग अलग इंटरप्रिटेट कर रहे हैं इसको, अलग अलग तरीके से इसकी मीनिंग निकाल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका
मतलब होता है कमांडर इन चीफ, यानी कि कमांडर इन चीफ होने वाले हैं इसमें हमारे प्रभास। और पहली बार ऐसा होगा कि एकदम अलग किरदार में नजर आने वाले हैं वो इस फिल्म में, और दो भयंकर लोग एक साथ मिलने वाले, एक तो हमारे बाहुबली और दूसरा केजीएफ चैप्टर 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील। दोनों का अपना अपना ऑरा है, दोनों का अपना अपना भयंकर वाला बज है, और दोनों के काम से दुनिया इंप्रेस है, सिर्फ इंडिया नहीं दुनिया, बाहुबली और केजीएफ चैप्टर 2। तो दोस्तों दो डायनमो जब एक साथ होंगे तो ब्लास्ट ही होगा, और सलार के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है, एक्शन होने वाला है, ड्रामा होने वाला है। और दोस्तों अभी ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दी है, बस यही बताया गया था पहले तो कि ये दो जो लोग, और दोस्तों ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दी, सिर्फ जब ये बताया गया था कि ये दो लोग साथ में आने वाले हैं। भाई भूकंप आ गया था, और अब जब फर्स्ट लुक उन्होंने इतनी जल्दी शेयर किया उसके बाद तो लोगों को कंफर्म हो गया कि कुछ धमाल ही होने वाला है, और अब सलार के साथ ये दोनों कॉम्बो हमारे सामने नजर आएंगे। दोस्तों शूटिंग की अगर मैं आपको बात करूं तो शूटिंग वो 2021 में शुरू करने वाले हैं, और आपको याद हो कि 2021 में आदि पुरुष की भी शूटिंग चालू करने वाले हैं प्रभास, और कहा जा रहा है कि ये दोनों फिल्मों की शूटिंग वो साथ साथ करेंगे। प्रभास बहुत ज्यादा जैसे कि मेहनती है तो इसी तरह का काम उनका दिखता भी है, और सलार और आदि पुरुष की शूटिंग वो साथ साथ करेंगे। तो दोस्तों आपको कितना इंतजार है सलार का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को। इंडिया में आई है तभी तो कुछ डायरेक्टर्स को छोड़कर बाकी सब पुरानी कमर्शियल क्लीशे फिल्मों से हटकर अब नई तरह की फिल्मों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे पगलेट, ब्रह्मास्त्र, और इस वेव ने लगता है सबसे ज्यादा असर टॉलीवुड पर डाला है। तभी तो बीतते वक्त के साथ टॉलीवुड की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, और शायद वो दिन दूर नहीं जब टॉलीवुड बॉलीवुड से आगे निकल जाए, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है SS राजमौली, प्रशांत नील, लोकेश कानाग्रज जैसे डायरेक्टर्स को, जिन्होंने हॉलीवुड लेवल की फिल्में बनाकर पूरी दुनिया का ध्यान इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ खींच लिया है, और इन फिल्मों की लिस्ट में जल्द ही शामिल होने को तैयार है प्रशांत नील की अपकमिंग सालार। आज इसी फिल्म के बारे में हम बात करेंगे, तो इसे जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सालार फिल्म में बाहुबली से ग्लोबल रिकॉग्निशन पा चुके प्रभास नजर आने वाले हैं, और उनके ऑपोजिट दिखने वाली है श्रुति हसन। ये कास्टिंग ही फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए काफी है, लेकिन इससे जुड़ा KGF डायरेक्टर का नाम मानो सोने पे सुहागा जैसा है। अगर प्रशांत की ये फिल्म भी उनकी पिछली फिल्म्स की तरह ही कामयाब होती है तो मानो एक्शन थ्रिलर फिल्मों पर उनका कॉपीराइट हो जाएगा, ठीक जैसे रॉयल फिल्मों के लिए संजय लीला भंसाली, गैंगस्टर फिल्म्स के लिए अनुराग कश्यप, और रोमांटिक फिल्मों पर इम्तियाज अली का कॉपीराइट है। ऐसा होने पर उनके द्वारा सेट इन स्टैंडर्ड्स को छू पाना वाकई बाकी डायरेक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और फिल्म के फर्स्ट लुक पर मिले रिएक्शन को तो देखकर कुछ ऐसा होता ही नजर आ रहा है। जी हाँ, फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है, और उसमें प्रभास बहुत ही डैशिंग और खतरनाक स्टाइल में दिख रहे हैं। सिर्फ ये पोस्टर ही ऑडियंस को सिनेमा हॉल तक खींच कर लाने के लिए काफी है। इस पर मिले रिएक्शन भी काफी स्पेशल है, मानो लोग सदियों से इसी कोलैब की राह देख रहे हैं। ऐसे भी KGF और बाहुबली को कई पॉइंट्स पर कंपेयर किया जाता है, ऐसे में KGF के डायरेक्टर का बाहुबली के एक्टर के साथ काम करना वाकई सिने लवर्स के लिए किसी सपने से कम नहीं है। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये फिल्म KGF और साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म KGF 2 जिसका दर्शकों में भारी क्रेज है। इस फिल्म की रिलीज अभी करीब ही थी कि कोरोना वायरस के प्रकोप ने फिलहाल इसे भी संकट में ही डाल दिया। इस बीच फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी दूसरी फिल्म सलार को लेकर खूब सुर्खियां जुटा रहे हैं। इस फिल्म में डायरेक्टर प्रशांत नील फिल्म स्टार प्रभास के साथ काम कर रहे हैं। प्रभास के साथ फिल्म में लीड में एक्ट्रेस श्रुति हसन नजर आने वाली हैं, जिसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अब देखा जाए तो अब इस फिल्म से एक और बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके बाद दर्शकों का क्रेज सातवें आसमान पर पहुंचने वाला है। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में प्रशांत नील एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी को भी अहम किरदार में लेने वाले हैं। KGF से अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाली कन्नड़ ब्यूटी श्रीनिधि शेट्टी इस फिल्म में सुपरस्टार यश की लव इंटरेस्ट बनी थी।
वो KGF 2 में भी लीड रोल में नजर आएंगे। इसके बाद श्रीनिधि शेट्टी एक बार फिर डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ काम करने वाली हैं। सुनने में आ रहा है कि फिल्म सलार में एक्ट्रेस एक डांस नंबर में नजर आएंगी, जिसे फिल्म के मेकर्स बहुत ही स्पेशल बनाने की तैयारी में है। वेल, श्रीनिधि शेट्टी का फिल्म KGF 2 से फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया गया था, जिसे एक्ट्रेस के जन्मदिन पर मेकर्स ने रिलीज किया था। इस फर्स्ट लुक पोस्टर में एक्ट्रेस बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी। ये फर्स्ट लुक पोस्टर फैंस को भी खूब पसंद आया। अब श्रीनिधि शेट्टी तमिल फिल्मों की दुनिया में भी कदम रख चुकी हैं। वो विक्रम और इरफान पठान स्टारर फिल्म कोबरा में नजर आएंगी। वेल दोस्तों, देखा जाए तो जो श्रीनिधि का कैरेक्टर था KGF में, वो काफी इंटरेस्टिंग था, और अगर प्रशांत नील उन्हें सलार फिल्म में भी ले रहे हैं और वो भी एक आइटम नंबर के लिए, तो वो भी काफी मजेदार होगा, क्योंकि देखा जाए तो प्रशांत नील ने अपने डायरेक्टर होने का लोहा तो मनवा लिया है KGF फिल्म 1 के डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ काम करने वाले हैं। एक फिल्म आने वाली इन दोनों की, तो सब इसका वेट कर रहे थे कि क्या होने वाला है। भयंकर बज इसने बना दिया था और फाइनली अब इस फिल्म का फर्स्ट लुक भी जारी कर दिया गया है, जो कि काफी जल्दी है, एकदम से सरप्राइज करके रख दिया है। आपको बता दें, इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन वर्क भी शुरू हो गया है और इस फिल्म का नाम सलार है। फर्स्ट लुक शेयर किया है प्रशांत नील ने, जो कि फिल्म के डायरेक्टर है। ये लुक बहुत ज्यादा भयंकर है, पूरा डार्क गन के साथ दिख रहे प्रभास, और ये काफी इंटेंस लुक उनका नजर आ रहा है। और ये फिल्म भरपूर एक्शन से भरी हुई होगी। आपको बता दें, इस फिल्म का फर्स्ट लुक जारी करते हुए, पोस्टर पर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा है प्रशांत नील ने कि सबसे ज्यादा हिंसक लोग एक आदमी को सबसे ज्यादा हिंसक बोलते हैं। ये शेयर करते हुए उन्होंने ये पिक्चर शेयर किया है, जो धमाकेदार है, और जैसा कि लुक से ही लग रहा है कि काफी भयंकर एक्शन इस फिल्म में करने वाले हैं प्रभास। और बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग अगले साल के बीच में कभी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि इस वक्त प्रभास के बाद बहुत सारी फिल्में हैं। आपको बता दें, सलार को 5 भाषाओं में रिलीज किया जाना है। पैन इंडिया ये फिल्म होने वाली है। प्रभास KGF चैप्टर 2 की शूटिंग पूरी होने के बाद ही इस फिल्म में काम कर पाएंगे, क्योंकि प्रशांत नील इस फिल्म में बिजी है, इसीलिए प्रभास के लिए भी मुश्किल होगा अभी इस फिल्म में काम करना। प्रभास के पास अभी 3 प्रोजेक्ट है। फिलहाल वो राधे श्याम की शूटिंग कर रहे हैं हैदराबाद में, और उसके बाद वो आदि पुरु शूटिंग करेंगे हैदराबाद में, जो कि 11 अगस्त को रिलीज होगी, यानी कि उसके बाद ही इस फिल्म की शूटिंग कर पाएंगे और 2022 में जाकर इसे रिलीज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जब साउथ का एक सुपरस्टार, साउथ के सबसे बड़े डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ काम कर रहे हैं। और प्रशांत नील ने जब से KGF चैप्टर 1 बनाई है, तब से तो उनकी धाक जम गई है। सिर्फ साउथ में ही नहीं, बल्कि नॉर्थ में भी उनकी बहुत ज़्यादा तारीफें की जा रही है, उनके प्रशंसक दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और उनकी अपकमिंग फिल्मों का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। तो ये एक डायनमिक कॉम्बो है, और बहुत भयंकर कॉम्बो है कि दो बड़े बड़े सितारे एक साथ नज़र आएंगे। तो दोस्तों, आपको ये लुक कैसा लगा, कितना इंतज़ार रहता है प्रभास की फिल्मों का, और सलार का कितना इंतज़ार है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को। स्वागत है आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज़। बाहुबली की सक्सेस के बाद प्रभास का नाम सबकी जुबान पर छा गया, और KGF सीरीज ने प्रशांत नील को घर घर में फेमस कर दिया। और अब ये खबर किसी आंधी से कम नहीं है कि ये दोनों एक एक्शन थ्रिलर फिल्म के लिए साथ आने वाले हैं। जाहिर है लोगों ने KGF और सालार के तार जोड़ने शुरू कर दिए, लाजमी भी है। जब इंटेंसिटी से लेकर जॉनर तक, डायरेक्टर से लेकर म्यूजिक प्रोड्यूसर तक, सब दोनों फिल्मों में सेम है। और अब तो एक और कड़ी है जो दोनों फिल्मों की इंटरसेक्शन पॉइंट बन गई है, और शायद यही कड़ी आने वाले समय में दोनों हीरोज को एक दूसरे से भिड़ाने का कारण भी बने। तो क्या है ये, जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। प्रशांत नील इंडस्ट्री का वो उभरता नाम है जो जल्द ही एक्शन थ्रिलर फिल्मों पर अपना ठप्पा दर्ज कराने वाला है। कहते हैं ना, ग्रेट पीपल लीव द स्पेशल मार्क्स, और फिल्मी इंडस्ट्री में तो ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है।
खासकर डायरेक्टर तो अपनी हर फिल्म में कोई ना कोई कॉमन छाप जरूर छोड़ते हैं, जैसे कि क्रिस्टोफर नॉलन के कलर पैलेट, संजय लीला भंसाली की रॉयल अधूरी कहानियां, अनुराग कश्यप की रियल लाइफ को पर्दे पर ठीक वैसे ही उतार देने वाली कला, और अब इस लिस्ट में प्रशांत भी शामिल होने वाले हैं। प्रशांत की अब तक की तीनों ही फिल्म्स में कुछ चीजें कॉमन है, एंग्री यंग हीरो, फुल ऑन एक्शन, इंटेंस कलर और 90s जैसा आइटम सॉन्ग। तो KGF की अपनी इस प्रथा को प्रशांत सालार में भी कंटिन्यू रखने वाले हैं, और इसके लिए उन्होंने एक्ट्रेस भी चुन ली है, और वो और कोई नहीं बल्कि रॉकी की लव एट फर्स्ट साइट गर्ल श्रीनिधि शेट्टी हैं। जी हाँ, KGF की रीना प्रभास के साथ एक गाने में रोमांस फरमाने वाली हैं। वाकई रीना की किस्मत के सितारे बुलंदियों पर हैं, तभी तो इस कन्नड़ ब्यूटी को साल की सबसे बड़ी फिल्म में डेब्यू करने का मौका मिला, और अब सुपरस्टार प्रभास के साथ भी वो नजर आने वाली हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म में श्रीनिधि रीना के ही अवतार में आएंगी या नहीं, और क्या यही वो कड़ी होगी जो दोनों फिल्म्स को कनेक्ट करेगी। चांद नील को घर घर में फेमस कर दिया, और अब ये खबर किसी आंधी से कम नहीं है कि ये दोनों एक एक्शन थ्रिलर फिल्म के लिए साथ आने वाले हैं। जाहिर है लोगों ने KGF और सालार के तार जोड़ने शुरू कर दिए, लाजमी भी है। जब इंटेंसिटी से लेकर जॉनर तक, डायरेक्टर से लेकर म्यूजिक प्रोड्यूसर तक सब दोनों फिल्मों में सेम है, और अब तो एक और कड़ी है जो दोनों फिल्मों की इंटरसेक्शन पॉइंट बन गई है, और शायद यही कड़ी आने वाले समय में दोनों हीरोज को एक दूसरे से भिड़ाने का कारण भी बने। तो क्या है ये जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। प्रशांत नील इंडस्ट्री का वो उभरता नाम है जो जल्द ही एक्शन थ्रिलर फिल्मों पर अपना थप्पा दर्ज कराने वाला है। कहते हैं ना, ग्रेट पीपल लीव देयर स्पेशल मार्क्स, और फिल्मी इंडस्ट्री में तो ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। खासकर डायरेक्टर तो अपनी हर फिल्म में कोई ना कोई कॉमन छाप जरूर छोड़ते हैं, जैसे कि क्रिस्टोफर नॉलन के कलर पैलेट, संजय लीला भंसाली की रॉयल अधूरी कहानियां, अनुराग कश्यप की रियल लाइफ को पर्दे पर ठीक वैसे ही उतार देने वाली कला, और अब इस लिस्ट में प्रशांत भी शामिल होने वाले हैं। प्रशांत की अब तक की तीनों ही फिल्म्स में कुछ चीजें कॉमन है, एंग्री यंग हीरो, फुल ऑन एक्शन, इंटेंस कलर और 90s जैसा आइटम सॉन्ग। तो KGF की अपनी इस प्रथा को प्रशांत सालार में भी कंटिन्यू रखने वाले हैं, और इसके लिए उन्होंने एक्ट्रेस भी चुन ली है, और वो और कोई नहीं बल्कि रॉकी की लव एट फर्स्ट साइट गर्ल श्रीनिधि शेट्टी हैं। जी हाँ, KGF की रीना प्रभास के साथ एक गाने में रोमांस फरमाने वाली हैं। वाकई रीना की किस्मत के सितारे बुलंदियों पर हैं, तभी तो इस कन्नड़ ब्यूटी को साल की सबसे बड़ी फिल्म में डेब्यू करने का मौका मिला, और अब सुपरस्टार प्रभास के साथ भी वो नजर आने वाली हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म में श्रीनिधि रीना के ही अवतार में आएंगी या नहीं, और क्या यही वो कड़ी होगी जो दोनों फिल्म्स को कनेक्ट करेगी, या फिर वाकई ये दोनों ही फिल्में प्रशांत की इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स की होंगी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप श्रीनिधि को इस फिल्म में प्रभास के साथ देखने के लिए कितना। आखिर कब रिलीज होने जा रही है प्रभास की सलार? प्रभास एक्ट्रेस श्रुति हसन क्या आर्थिक तंगियों से जूझ रही है? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जल। दोस्तों, इन दिनों देश में कोरोना वायरस का कहर बरस रहा है। लगातार संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। पूरे देश में लॉकडाउन जरूरत के अनुसार लगाया जा रहा है। ऐसे में सिनेमा जगत के लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब खबर आई है कि सलार एक्ट्रेस श्रुति हसन भी काफी परेशान है। वो साउथ के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुकी है, लेकिन COVID-19 के कारण चल रहे लॉकडाउन ने उनकी आर्थिक हालत भी खराब कर दी है। लॉकडाउन और कोरोना का असर श्रुति हसन की जिंदगी पर साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें पैसों की जरूरत है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं खुद को घर में बंद रखकर कोरोना खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकती हूं। श्रुति हसन ने इसके आगे भी अपने हालात के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वो झूठ नहीं बोलेंगी, और उन्होंने कहा कि हमें भी काम पर जाना होगा, क्योंकि अन्य लोगों की तरह मैं भी पैसों की तंगी से जूझ रही हूँ।
और मुझे काम पर जाना है। साथ ही उन्होंने बताया कि मेरे परिवार में सभी अलग अलग कमाई करते हैं, लेकिन हमारे कई बिल्स भी होते हैं जिसका भुगतान हमें खुद करना होता है, इसीलिए मुझे काम पर वापस जाना है। वही आपको बता दें, श्रुति ने कोविड से पहले एक घर लिया था जिसकी किश्त उन्हें भरनी है। वो इंडिपेंडेंट गर्ल है और सारा काम खुद ही करती है, उसकी EMI उन्हें चुकानी है, जिस वजह से श्रुति परेशान हो रही है। और आपको बता दें, श्रुति की अपकमिंग फिल्म है सलार, जिसमें कि वो धमाका मचाने को तैयार है, लेकिन जब शूट शुरू होगा, ये फिल्म रिलीज होगी, उसके बाद वो और फिल्में करेंगी, तब जाकर काम जो है उनका पटरी पर आएगा। वहीं दोस्तों, सलार की रिलीज की बात करें तो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, इस फिल्म को 14 अप्रैल 2022 को रिलीज किया जाना है। और इसका एक पोस्टर भी प्रभास ने शेयर किया था, इसमें एक डार्क शेड में नजर आने वाले हैं प्रभास, और काफी स्टनिंग वो लग रहे थे। और एक पिक्चर उन्होंने शेयर किया था जिसमें कि डैशिंग टी शर्ट उन्होंने पहनी थी, जीन्स पहनी थी, साथ में ब्लैक कलर के गॉगल्स पहने थे। श्रुति ने भी खुद इस पोस्ट को शेयर किया था और अपनी खुशी जाहिर की थी। आपको बता दें, प्रभास ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2002 में आई फिल्म ईश्वर से की थी। प्रभास ने अपने अभिनय क्षमता का प्रदर्शन करते हुए कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, जिनमें उन्होंने 2004 में संतोषम फिल्म अवार्ड को प्राप्त किया था। वहीं दक्षिण की फिल्मों के लिए इसी साल उन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड प्राप्त किया था। तो दोस्तों, बहुत सारी फिल्में हैं दोनों ही स्टार्स के लाइनअप में, लेकिन कोविड के ख़त्म होने का इंतजार है। आप कितना वेट करें प्रभास की फिल्मों का, सलार का कितना वेट है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल। फिल्म पर ऐसे जुड़ी खबरों पर टिकी ही हुई है, हो भी क्यों ना, आखिर ये फिल्म दशक की दो बड़ी फिल्में बाहुबली और KGF का कॉम्बिनेशन जो है। KGF डायरेक्टर संग बाहुबली एक्टर, और ग्लैमर के लिए तो हमारी श्रुति हसन है ही, और अगर कुछ कसर बाकी रह गई तो वो कभी श्रीनिधि शेट्टी के ठुमके पूरे कर देंगे। इन सभी खबरों को तो हम आपके साथ पहले ही साझा कर चुके हैं, लेकिन आज जो खबर लेकर हम आए हैं वो जरूर आपको हैरान कर देगी। ये क्या है जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम बात करने वाले हैं आज ऐसी ही फिल्म की। अपनी लास्ट हिट के बाद प्रशांत इंडस्ट्री का वह नाम बन चुके हैं जिसके साथ काम करने का मौका मिलने के लिए बड़ा सा बड़ा सितारा तरस रहा है। और अगर फिल्म का जोनर एक्शन थ्रिलर है, फिर तो उनका उग्रम और KGF का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए आंख बंद करके भी स्क्रिप्ट साइन की जा सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रशांत की सलार स्क्रिप्ट ठुकरा दी गई थी? जी हाँ, दरअसल प्रशांत ने फिल्म की कहानी उनके KGF एक्टर यश को दिमाग में रखकर लिखी थी, लेकिन जब यश ने यह स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने इस पर काम करने से मना कर दिया। यश ने ऐसा क्यों किया ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हैरानी की बात ये है कि जब कुछ बदलाव के बाद यही स्क्रिप्ट प्रभास ने सुनी तो उन्होंने तुरंत ही उसके बारे में हामी कर दी। वैसे भी प्रभास प्रशांत नील के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं और उनके साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड भी। ऐसे में ये मौका उनके लिए ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था, इसलिए उन्होंने बिना किसी देरी के तुरंत इस मौके को लपक लिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इन दोनों ही सितारों ने अपनी फिल्मों से साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को देश भर में फेमस किया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सालार की स्क्रिप्ट पर दोनों की अलग सोच में से किसकी जीत होती है, किसके स्क्रिप्ट चॉइस दूसरे पर भारी पड़ती है। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ऐसा किरदार है जिससे लेकर एक्साइटिंग फिल्म के लीड प्रभास के बराबर है। फिल्म की कास्ट में हो चुकी है किस नए सुपरस्टार की एंट्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ निष्का त्यागी। तो जब से KGF फिल्म मेकर प्रशांत नील और बाहुबली एक्टर की साथ में अपकमिंग सलार की अनाउंसमेंट हुई है, फिल्म को लेकर लोगों के बीच खलबली मच गई है और फैंस फिल्म से जुड़ी एक एक अपडेट जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। कास्टिंग से लेकर शूटिंग तक, स्टोरी से लेकर क्रू तक, फिल्म का हर एक एस्पेक्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा टॉपिक है जिसे लेकर फैंस की क्यूरियोसिटी प्रभास के ही बराबर है और जिसे जानने के लिए हर सिने लवर बेताब है।
नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज हम अपनी इस वीडियो में फिल्म के उसी खास हिस्से की बात करने वाले हैं और आपकी इस क्यूरियोसिटी को भी आंसर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब चलिए दोस्तों आप लोग गेस करिए कि फिल्म के लीड एक्टर को छोड़कर प्रशांत की मूवीज का वो कौन सा पक्ष है जिसकी खबर पता करने के लिए ऑडियंस को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। अरे नायक के बाद फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट किरदार कौन होता है? जाहिर है खलनायक। अब दोस्तों कोई तो होगा ना जिसके पूरे कांड को रोकने के लिए ही इस फिल्म के नायक को महानायक बनना पड़े, और प्रशांत की फिल्मों में तो विलन को लेकर यहाँ एक्साइटमेंट दुगनी हो जाती है, उनके विलन होते ही इतने दमदार हैं। अब दोस्तों आप खुद ही देख लीजिए, KGF का गरुड़, KGF 2 का अधीरा और बाकी फिल्मों में भी ऐसे ही सीन हैं। इन विलन्स को देखकर ही लोगों में दहशत और खौफ फैल जाता है। ऐसे में ये सवाल कि आखिर प्रशांत किस एक्टर को बाहुबली प्रभास से टक्कर के लिए चुनते हैं, वाकई दिलचस्प है। और आखिरकार कई स्पेकुलेशन के बाद इसका जवाब हमें मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत ने अपना खलनायक चुन लिया है और वो है मधु गुरुस्वामी। अब दोस्तों बता दें कि उन्होंने साउथ इंडियन फिल्म्स में हीरोज की जिंदगियों में मुश्किलें पैदा करने का अहम किरदार निभाया है, लेकिन दोस्तों उनके फेम को पंख ए हर्ष डायरेक्टेड शिवराज कुमार की फिल्म वज्राख्या से लगे। उनकी फोटोज देखकर ही आप उन्हें प्रशांत की पिछली फिल्म्स के एंटागोनिस्ट से जोड़ सकते हैं। वैसे बता दें इस कास्टिंग का खुलासा खुद एक्टर ने किया है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म में चुने जाने के लिए अपनी खुशी बयां की। अब दोस्तों आप हमें जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने पहले कभी मधु गुरुस्वामी की फिल्म्स देखी हैं, और अगर हाँ तो क्या आपको लगता है कि वो इस फिल्म के लिए परफेक्ट चॉइस हैं? और अगर आपका जवाब नहीं है तो हु शुड हैव बीन सिलेक्टेड? और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वाला है कौन सा बड़ा ट्विस्ट? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बाहुबली प्रभास संग श्रुति हसन की अपकमिंग सालार अनाउंसमेंट के बाद से ही लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। हो भी क्यों ना, आखिर इस फिल्म की वजह से तेलुगु इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म के एक्टर और कन्नड़ इंडस्ट्री की बिगेस्ट फिल्म के डायरेक्टर साथ जो आ रहे हैं, ऊपर से जॉनर भी वो जिसमें डायरेक्टर साहब प्रशांत नील को महारत हासिल है, एक्शन थ्रिलर। जाहिर है चर्चा तो होगी ही। इन्हीं खबरों के बीच एक बहुत धमाकेदार न्यूज सामने आ रही है, फिल्म में एक नए सितारे की एंट्री की खबर। ये कौन है और फिल्म से इनका जुड़ना फिल्म को और ज्यादा स्पेशल क्यों बनाता है, जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अपनी KGF के बाद प्रशांत ने इंडस्ट्री में वो दर्जा हासिल कर लिया है कि उनका किसी एक्टर को अपनी फिल्म में चुनना उस एक्टर के सौभाग्य की बात होती है। लेकिन आज जिस नए सितारे की एंट्री की न्यूज हम सुनाने जा रहे हैं, उनके साथ केस थोड़ा अलग है। उनके साथ काम करने का मौका मिल पाना बड़े से बड़े मेकर्स के लिए किस्मत की बात होती है। वैसे तो ये कौन है, इसका हिंट हमने आपको अपने सवाल में ही दे दिया था, द मेगा स्टार चिरंजीवी। अगर आप अभी भी इस नाम से अनजान है तो बस इतना समझ लीजिए कि बॉलीवुड में जो दर्जा अमिताभ बच्चन का है, वैसा ही कुछ रुतबा पद्म भूषण अवार्डी चिरंजीवी का है। उनके लिए ऑडियंस तो क्या, खुद फिल्म इंडस्ट्री के बीच इतनी रिस्पेक्ट है कि उनके बर्थडे पर रामचरण, राणा दुग्गुबाती जैसे 100 नामचीन एक्टर्स, डायरेक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने सरप्राइज के तौर पर उनकी जर्नी को दिखाता हुआ मोशन पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। यहाँ हमें तारीफ प्रशांत नील की भी करनी होगी, जिन्होंने चिरंजीवी को चुना भी तो उस रोल के लिए जो उन पर सबसे फिट बैठता है, गॉडफादर। जी हाँ, हो सकता है कि अपकमिंग सालार में हमें चिरंजीवी प्रभास के गॉडफादर के रूप में नजर आए और ये रोल बेहद पावरफुल होने वाला है। अब फिल्म में उनका ये किरदार कितना दिलदार और रिस्पेक्टेड दिखाया जाता है, इसकी खबर तो सिर्फ प्रशांत को होगी, लेकिन रियल लाइफ में भी ये सितारा किसी ध्रुव तारे से कम नहीं है जो भटके हुए को राह दिखाता है। एक बार सुपरस्टार शरद कुमार ने भी अपने इंटरव्यू में मुश्किल समय में चिरंजीवी से मिली मदद के बारे में बताया था, और ये इकलौती ऐसी कहानी नहीं है। इस तरह इस रोल के लिए चिरंजीवी को चुनना वाकई एक फैंटास्टिक ऑप्शन है। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो फिल्म का हिस्सा रहेंगे या नहीं। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि चिरंजीवी उस रोल के लिए तैयार हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो आपके हिसाब से इसका फिल्म पर क्या असर होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने। और टाइटल रिलीज हुआ था
क्या आपको पता है कि 14 अप्रैल 2022 में कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म सलार की, जो कि 14 अप्रैल 2022 में रिलीज होगी। मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग हैदराबाद और बेंगलोर में हुई है और इस फिल्म का कुल बजट 150 करोड़ रुपए है। वैसे ये तो आपको पता ही होगा कि इस फिल्म का डायरेक्टर प्रशांत नील कर रहे हैं। जी हाँ, आजकल फिल्म इंडस्ट्री में प्रशांत नील अपने काम की वजह से काफी सुर्खियों पर हैं। वैसे इस फिल्म से जुड़ी एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि नील की फिल्म सलार के बारे में कहा जा रहा था कि यह फिल्म उर्गम की रीमेक है, पर नील ने इस बात से साफ इनकार करते हुए कहा कि यह फिल्म नई कहानी है जो कि उन्होंने खुद लिखी है। सलार फिल्म कन्नड़ और तेलुगु के अलावा हिंदी, तमिल और मलयालम में भी रिलीज होगी। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रभास की फिल्म सलार के अलावा उनकी दो फिल्में और आपके सामने आएंगी, जिनमें से एक है राधेश्याम, जो कि 30 जुलाई 2021 में रिलीज होगी। और यकीन मानिएगा कि इस फिल्म का कुल बजट 350 करोड़ रुपए है। और दूसरी फिल्म का नाम है आदि पुरुष, जिसमें प्रभास दीपिका पादुकोण के साथ नजर आएंगे। यह फिल्म 11 अगस्त 2022 को रिलीज होगी और इस फिल्म का कुल बजट 500 करोड़ रुपए है। वैसे इस फिल्म से जुड़ी एक और खास बात है, क्या आप उसे जानते हैं कि 28 जनवरी यानी श्रुति हसन के 35वें जन्मदिन वाले दिन ही यह अनाउंसमेंट की गई थी कि वह प्रभास के साथ उनकी हीरोइन के रूप में काम करेंगी। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक किसी भी ट्रेलर में कहीं भी श्रुति हसन को नहीं दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे अभी इस फिल्म का कोई सॉन्ग भी रिलीज नहीं हुआ है। चलिए फिल्म से अलग आज हम श्रुति हसन के बारे में भी बात करते हैं। आपको तो यह पता ही होगा कि श्रुति हसन अभिनेत्री के साथ साथ एक अच्छी सिंगर भी हैं, जिन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर तेलुगु के लिए 2014 में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। और वहीं अगर हम फिल्मों की बात करें तो सलार के अलावा वह विजय सेतुपति के साथ फिल्म लावम और नेटफ्लिक्स पर पिट्टा कथालू में नाग अश्विनी के सेगमेंट में नजर आएंगी। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे फिल्म से जुड़ी कुछ मसालेदार बातें शेयर करने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए बॉलीगार्ड स्टूडियोज। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्वागत किया, ऐसा होना लाजमी भी था क्योंकि ये फिल्म साउथ की दो सबसे बड़ी मूवीज के लोगों को साथ लेने का काम करने वाली है, KGF के डायरेक्टर और बाहुबली के एक्टर। और इन दो मूवीज की तरह ही ये फिल्म भी पैन इंडिया प्रोजेक्ट ही होगी और KGF की तरह ही इस फिल्म को भी विजय किरण गंडूर ही अपने बैनर होमबले फिल्म्स के तले प्रोड्यूस करने वाले हैं। लेकिन इतनी अच्छी फिल्मों को अप्रिशिएट करने के बजाय कन्नड़ ऑडियंस इसे एक्सेप्ट करने से मना क्यों कर रही है, इसे जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बता दें कि KGF की सक्सेस के बाद फैंस ने विजय और प्रशांत की जमकर तारीफ की थी, क्योंकि उनके कारण ही कन्नड़ फिल्म्स को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला और लोगों का ध्यान इस इंडस्ट्री की तरफ गया। कुछ लोगों ने तो प्रशांत को प्राइड ऑफ कर्नाटका तक का दर्जा दे दिया था। लेकिन सालार की अनाउंसमेंट लोगों को नहीं भाई, इसकी वजह है फिल्म की कास्टिंग। फिल्म में मेन लीड में प्रभास है, जो की एक तेलुगु एक्टर है, और यही बात लोगों के गुस्से का कारण है। लोगों का कहना है कि इस रोल के लिए किसी कन्नड़ एक्टर को भी लिया जा सकता था और कन्नड़ इंडस्ट्री के नाम को और ऊंचा किया जा सकता था, लेकिन थोड़े से प्रॉफिट्स के लिए प्रशांत ने अपने स्टेट को नेगलेक्ट कर दिया। कई लोगों ने तो उनका कंपैरिजन तेलुगु डायरेक्टर SS राजमौली से भी किया और कहा कि उन्हें राजमौली से कुछ सीखना चाहिए, जो अपने तेलुगु एक्टर्स पर ही अटके हुए हैं। कुछ लोगों ने प्रशांत से उनका टैग छीनने तक की बात कह दी कि प्रशांत प्राइड ऑफ कर्नाटका नहीं है, जिस इंडस्ट्री से उन्हें सक्सेस मिली वो उसे ही छोड़ रहे हैं। ये टैग केवल योगराज भट्ट डिजर्व करते हैं, जिन्होंने ऊंचाइयां छूने के बावजूद अपने जमीन से जुड़े रहने का फैसला किया और अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। फिल्म को इंडियन फिल्म कहे जाने से भी लोगों ने आपत्ति जताई है कि क्या प्रभास को ही लेकर फिल्म इंडियन बन सकती थी, या यश या किसी और कन्नड़ सितारे के होने से ये फिल्म इंडियन नहीं होती। इतने क्रिटिसिज्म के बावजूद मेकर्स की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन या स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। बता दें कि KGF को कन्नड़ जनता का बहुत सपोर्ट मिला था, लेकिन अगर इस बार ये यूज ऑडियंस सालार को बॉयकॉट करने का फैसला लेती है तो फिल्म की सक्सेस पर जरूर गहरा असर पड़ेगा।
आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इस विरोध के बावजूद फिल्म सक्सेसफुल बिजनेस कर पाएगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। रिलीज की बात करें तो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं इस फिल्म को 14 अप्रैल 2022 को रिलीज किया जाना है, और इसका एक पोस्टर भी प्रभास ने शेयर किया था। आपको बता दें प्रभास ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2002 में आई फिल्म ईश्वर से की थी। प्रभास ने अपने अभिनय क्षमता का प्रदर्शन करते हुए कई अवार्ड अपने नाम किए हैं, जिनमें उन्होंने 2004 में संतोषम फिल्म अवार्ड को प्राप्त किया था। वहीं दक्षिण की फिल्मों के लिए इसी साल उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त किया था। तो दोस्तों बहुत सारी फिल्में हैं दोनों ही स्टार्स के लाइनअप में, लेकिन कोविड के खत्म होने का इंतजार है। आप कितना वेट करें प्रभास की फिल्मों का, सलार का कितना वेट है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को। सलार में देखने को मिलेंगे प्रभास के कौन से दोहरे चेहरे, फिल्म में हुई किस हसीन एक्ट्रेस की एंट्री, और क्या श्रुति प्रभास संग लव ट्रायंगल का मंजर देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल में। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म सलार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। दोस्तों महेंद्र बाहुबली के एक बार फिर अपनी बुलंद आवाज, ताकतवर प्रेजेंस और एक्सीलेंट फाइटिंग स्किल्स के साथ बड़े पर्दे पर पधार रहे हैं, लेकिन इस बार सलार बनकर। और जब से ये सब कुछ की अनाउंसमेंट हुई है, मानो ऑडियंस माहेश मते की प्रजा बनकर इस फिल्म के रिलीज होने का और प्रभास का बड़े स्क्रीन पर आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। एक बार फिर इंटेंस सिनेमेटोग्राफी, दिल को छूने वाले म्यूजिक और सुप्रीम प्रेजेंस के साथ प्रशांत नील ने बॉक्स ऑफिस पर धाबा बोल दिया है। और अब जब ये दोनों नाम साथ में आया है तो मीडिया में तो हलचल देखने को ही मिलेगी, और ऐसा ही देखने को मिल भी रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिल्म से जुड़ी एक अहम खबर लेकर आए हैं। इसे जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बता दें कि पिछले साल दिसंबर के मौके पर प्रभास प्रशांत की इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी, और इसका पहला पोस्टर भी लॉन्च किया गया था, जिसमें इंटेंस एक्सप्रेशंस और बड़ी मूंछों के साथ प्रभास अपना बायां हाथ एक असॉल्ट राइफल पर टिकाए नजर आ रहे हैं। और इस पोस्टर को देखकर ही समझा जा सकता है कि फिल्म में कई सारे एक्शन सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। यही कारण है कि ऑडियंस ने भी इस फिल्म का खुले दिल से स्वागत किया है। और इसके बाद फिल्म में श्रुति हसन की जो एंट्री हुई है, यह भी खबर आई है कि बाहुबली की तरह ही इस पर भी प्रभास डबल रोल में दिखाई देंगे। वैसे तो हमने आपको पहले भी बताया है कि इस फिल्म में प्रभास आर्मी ऑफिसर के रोल में दिख सकते हैं। अब इसी इन्फो में एक और एडिशन भी हुआ है कि आर्मी ऑफिसर के साथ साथ वह एक मैकेनिक का भी रोल प्ले करेंगे। बता दें कि उनके आर्मी के दिनों को फ्लैशबैक्स में दिखाया जाएगा, जिसमें उनके वॉर सीन्स का भी सबसे पहला और सबसे बड़ा अट्रैक्शन होने वाला है। इसके अलावा फिल्म में एक न्यू एंट्री भी हुई है, और वह कोई और नहीं बल्कि राजमाता शिवगामी है। जी हाँ, एक्ट्रेस राम्या कृष्णन। हालांकि आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि बाहुबली में प्रभास की माँ और दादी के रोल निभा चुकी यह एक्ट्रेस फिल्म में उनकी बहन के किरदार में नजर आने वाली है, और अब ये नई एंट्री कहानी में क्या नया मोड़ लाती है, यह देखना तो वाकई दिलचस्प होगा। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आप इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है, और राजमाता शिवगामी और बाहुबली को एक साथ फिर से देखने के लिए कितने एक्साइटेड है आप, यह भी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के क्या एक बार फिर प्रशांत नील ने अपनाई राजमौली की गली। प्रभास के बाद राजमौली फिल्म्स के किस सितारे पर है प्रशांत की नजर, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों बॉलीवुड और टॉलीवुड इंडस्ट्री हमेशा से ही एक दूसरे के या तो कॉम्पिटिटर्स रहे हैं, या फिर एक दूसरे के टीचर या फिर पार्टनर। कभी टॉलीवुड इंडस्ट्री ने बॉलीवुड के गलियारे को रोशन किया है, तो कभी बॉलीवुड ने टॉलीवुड के यहाँ दीपक जलाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें इसका जवाब पाने के लिए।
वेल दोस्तों, हमने कई बार देखा है कि टॉलीवुड के किसी पिक्चर को बॉलीवुड में एज अ रीमेक के तौर पर प्रस्तुत किया गया ऑडियंस के सामने, उसमें नए रंग रूप रेखा के साथ उसे ऑडियंस के साथ साझा किया गया। वेल दोस्तों, कई बार ऐसा भी हुआ है कि बॉलीवुड की किसी स्टोरी से इंस्पिरेशन लेकर टॉलीवुड में उस पर पिक्चर बनाई गई हो, लेकिन टॉलीवुड और बॉलीवुड इंडस्ट्री को अगर एक कर दिया जाए तो कैसा होगा। वेल ये काम किया था बाहुबली ने। राजमौली की बाहुबली ने टॉलीवुड और बॉलीवुड को एक साथ एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया और ऑडियंस को ये पिक्चर कितनी पसंद आई थी इस बात से हम सभी वाकिफ हैं। तो दोस्तों, दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ा प्रशांत नील ने केजीएफ के साथ। ये मॉन्स्टर सीरीज लोगों के बीच इतनी पॉपुलर हुई कि लोग अब इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेल प्रशांत नील यहीं पर रुकने वाले नहीं है। जी हाँ, आने वाले दिनों में वो एक बार फिर इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स को कंबाइन करने वाले हैं एक नई पिक्चर के साथ। केजीएफ के जैसे ही प्रशांत एक बार फिर सलार को लेकर आ रहे हैं और ये भी एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है। दोस्तों, वैसे तो प्रशांत और राजमौली आपस में कई बार टकराए हैं इन कॉम्बाइन प्रोजेक्ट्स को लेकर। आने वाले दिनों में एक बार फिर ऐसा ही कुछ होने वाला है और इसका जवाब हम आपको आगे देंगे। प्रशांत और राजमौली एक दूसरे के सिनोनिम्स बन गए हैं साउथ इंडस्ट्री में। जी हाँ, इन दोनों की किस्मत अक्सर ही आपस में टकराती रहती है। अब एक कोइंसिडेंस देखिए कि जब प्रशांत ने अपनी आने वाली फिल्म सलार की अनाउंसमेंट की थी, तो उसी दौरान राजमौली ने भी अपनी अपकमिंग फिल्म RRR की अनाउंसमेंट की थी और ये दोनों ही पिक्चर एक कॉम्बाइन प्रोजेक्ट होने वाला है जो टॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में ही रिलीज होगा। हालांकि दोस्तों, मीडिया में जितनी दफा भी ये बात उठ जाए कि राजमौली और प्रशांत एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, असल में प्रशांत राजमौली को अपना मेंटोर मानते हैं। जी हाँ, कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। साथ ही राजमौली का ही तरीका वो अपनाते हैं, चाहे वो अपनी फिल्म के प्रमोशन को लेकर कोई बात हो या फिर फिल्म से जुड़े क्रिटिसिज्म को लेकर कोई बात। एक तरफ जहां प्रशांत नील ने अपनी अपकमिंग फिल्म सलार में बाहुबली को कास्ट किया है, तो वही फिल्म से जुड़ी किसी भी क्रिटिसिज्म को लेकर अगर कोई बात हो तो अक्सर ही राजमौली का तरीका अपनाते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई पिक्चर वायरल हुई हो सेट से, तो भी वो राजमौली के अंदाज में ही ऑडियंस को या मीडिया को जवाब देते हैं। इन दोनों में इतनी सिमिलैरिटीज है कि क्या ही बताया जाए। दोस्तों, एक तरफ जहां राजमौली के बाहुबली को पहले ही सलार में कास्ट कर लिया है प्रशांत ने, तो वहीं दूसरी तरफ वो एक बार फिर उनका मंत्र अपनाने वाले हैं। जी हाँ, वो जूनियर NTR के साथ अपनी आने वाली प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जूनियर NTR फिलहाल राजमौली की पिक्चर RRR में भी नजर आने वाले हैं। अब अगला नंबर किसका होगा ये देखना भी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या अजय देवगन को भी प्रशांत नील अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट में हायर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी राजमौली की फिल्म RRR में नजर आने वाले हैं। दोस्तों, हम ऑडियंस के लिए एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि राजमौली से हमेशा से ही प्रशांत इंस्पायर्ड रहे हैं। अब क्या पता वो आने वाले दिनों में पीरियोडिक फिल्म्स भी बनाने लगी जैसे कि राजमौली अपने पिक्चर्स में बनाते हैं। क्या राजमौली के जीनियर से इंस्पायर्ड होंगे प्रशांत, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी नई फिल्म को लेकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की एकदम नई वीडियो में, जहां बॉलीवुड और टॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार एक के बाद एक अपनी नई फिल्मों की घोषणा कर रहे हैं। अब इसमें प्रभास कैसे पीछे रह सकते हैं। प्रभास ने भी अपने अगले साल की दमदार तैयारी शुरू कर दी है और अपनी आने वाली ऐसी ही एक दमदार फिल्म की अनाउंसमेंट भी अपने शानदार स्टाइल में की है। हाल ही में प्रभास ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी आने वाली फिल्म सलार का पोस्टर शेयर किया है, जिसमें एकदम हटके और जबरदस्त लुक प्रभास का नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं प्रभास का एक डैशिंग लुक जिसमें गन पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रभास के दर्शकों के रिएक्शन भी उनके इस लुक पर खूब आ रहे हैं। उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है,
आज मैंने सलार की दुनिया में कदम रख दिया है। शूटिंग 21 जनवरी 2021 से शुरू होने जा रही है। उनके फैंस उनके आने वाली इस फिल्म को लेकर काफी खुश हैं और अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही पोस्ट पर हजारों कमेंट्स की बौछार हुई है। आपको बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे प्रशांत नील, जो कि केजीएफ को भी डायरेक्ट कर चुके हैं और अब केजीएफ का दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। और होमबिल ग्रुप बैनर के तहत प्रोडक्शन करने की जिम्मेदारी उठाई है विजय किरागंदूर ने। आपको बता दें कि एक ऐसी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें इंडस्ट्री के बेहतरीन सुपरस्टार के साथ ही एक शानदार डायरेक्टर भी काम करने वाले हैं। प्रशांत नील को केजीएफ के निर्देशन के लिए बहुत सराहना मिली थी। वहीं बाहुबली के बाद प्रभास की फैन फॉलोइंग के बारे में तो आप जानते ही हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं दोस्तों, फिल्म से राणा दग्गुबत यानी कि बाहुबली के विलन का नाम भी जोड़ा जा रहा है। फिल्म की शूटिंग जनवरी में शुरू होने वाली है और हैदराबाद और चेन्नई में फिल्म के सीन्स शूट किए जाएंगे। 2021 तक ये फिल्म फ्लोर पर आएगी और 2022 के शुरुआती महीनों में फिल्म को रिलीज किया जाएगा। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर इस फिल्म को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। प्रभास ने फिल्म को लेकर एक स्टेटमेंट भी दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने हमेशा से ही प्रशांत नील के निर्देशन में काम करना चाहा है। मुझे नहीं लगता कि एक अभिनेता के रूप में उनके साथ काम करने का इससे बढ़िया मौका मुझे आगे भी कभी मिलेगा। ये एक बहुत ही शानदार फिल्म है और इसमें मेरा किरदार बहुत ज्यादा हिंसक है। ये कुछ ऐसा होगा जो मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। दोस्तों, इससे तो साफ जाहिर है कि इस फिल्म में कमाल का एक्शन हमें देखने को मिलने वाला है, जहां प्रभास एक एंग्री यंग मैन के किरदार में नजर आएंगे और अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारेंगे। फिल्म में एक्शन सीक्वेंसेस, ड्रामा और कमाल का स्क्रीन प्ले देखने को मिलेगा। साथ ही ये फिल्म एक अखिल भारतीय फिल्म है और इसीलिए फिल्म को तमिल, तेलुगु, हिंदी और मलयालम में भी रिलीज किया जाएगा। अब फिल्म के डायरेक्टर इतने खुश हैं तो डायरेक्टर ने भी अपने उत्साह जाहिर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। सलार की घोषणा में प्रशांत नील ने बताया, मैं इस फिल्म के लिए प्रभास से हाथ मिलाकर बहुत उत्साहित हूँ। हम इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी समय से बातचीत कर रहे थे और अब आखिरकार ये सच होने वाला है। दर्शकों को एक ऐसी एक्शन फिल्म पेश करेंगे जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। इस फिल्म में प्रभास एक नए अवतार में होंगे। उनका रूप दर्शकों को सरप्राइज करने के लिए काफी है। मैं बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि मुझे इस फिल्म का निर्देशन करने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक धमाकेदार एक्शन फिल्म के लिए और अपने फेवरेट सुपरस्टार प्रभास को एक नए किरदार में देखने के लिए। वहीं प्रभास ने अपनी अगली फिल्म में जैसे कि राधे श्याम, आदि पुरुष और दीपिका पादुकोण के साथ एक अखिल भारतीय फिल्म की घोषणा कर दी है। इससे ये तो पता चलता है कि लॉकडाउन कौन कौन विलन इसमें बनने वाले हैं, क्या होने वाली है इस फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। प्रभास की अपकमिंग फिल्म सलार के लिए भयंकर बस बन चुका है जब से इसका पोस्टर रिलीज किया गया है और प्रशांत नील ने भी इसकी जानकारी दी है, ऑफिशियली कन्फर्म हो चुकी है। और आपको बता दें, प्रशांत नील यानी कि जो KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2 जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने इस फिल्म को बनाना है तो यार मज़ा तो आना ही है। और साथ ही आपको बता दें दोस्तों, ये एक्शन पैक्ड फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में जो नई अपडेट सामने आई है वो है विलन से जुड़ी हुई, और इसमें एक नहीं बल्कि दो विलन्स होने वाले हैं, वो भी दो अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री से। यानी कि आपको बाहुबली का एक स्टार मिलने वाला है इस फिल्म में, जो कि प्रभास के साथ ऑलरेडी लड़ चुका है बाहुबली में, यानी कि राणा दग्गुबती इसमें नजर आने वाले, यानी कि एक बार फिर से बाहुबली वर्सेस भल्लाल देव इस फिल्म में होने वाला है। साथ ही आपको बता दें, मलयालम इंडस्ट्री के मोहनलाल सर, जो कि काफ़ी डैशिंग है और फिल्मों में धमाल मचाते रहे हैं, वो नज़र आने वाले हैं इस फिल्म में। यानी कि सलार में एक नहीं दो विलेन होने वाले हैं। और प्रशांत नील से जब पूछा गया सलार का क्या मतलब है, तो उन्होंने बताया था इसका मतलब होता है कमांडर इन चीफ, यानी कि कमांडर बनते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि गन के साथ भी दिखे थे फर्स्ट लुक में प्रभास। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये बात होने वाली है, दो विलन होंगे तो एक्शन तो धमाकेदार होगा ही। फिल्म में एक्ट्रेस कौन होने वाली है ये नहीं पता, लेकिन फिल्म का बजट जो है वो बहुत ज़्यादा रखा गया है। फिल्म की शूटिंग की बात करें तो इस फिल्म का शूट दोस्तों 2021 के एंड से शुरू किया जाएगा, क्योंकि 2021 में प्रभास को पहले आदि पुरुष की शूटिंग करनी है और आदि पुरुष में पूरा वो समय देने वाले हैं 7 से 8 महीने का, क्योंकि बहुत भयंकर ये फिल्म होने वाली है, बड़े बड़े सितारे हैं। उसके बाद ही नज़र आएंगे वो सलार में, यानी कि सलार की शूटिंग वो शुरू करेंगे।
तब जाकर 2022 की शुरुआत में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। सलार से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी वो तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल आप हमें बताइए कि भल्लाल देव यानी कि राणा दग्गुबाती को एक बार फिर से आप प्रभास के अपोजिट देखने के लिए कितने बेकरार हैं, कैसी लगती है इनकी केमिस्ट्री और यानी कि फिल्म का नमक। प्रभास की फिल्म सालार का विलन हो गए हैं मधु गुरुस्वामी। आपको बता दूं कि मधु गुरुस्वामी का जन्म कर्नाटक के एक शहर में हुआ था। इन्होंने थिएटर में एक्टिंग सीखी और बहुत सारे थिएटर्स किए। इसके अलावा 2012 में सबसे पहले उन्हें फिल्म जानू में रिकग्निशन मिला, जिसको प्रीतम ने डायरेक्ट किया था। आपको बता दूं कि मधु सबसे ज़्यादा कन्नड़ तमिल फिल्म में दिखाई देते हैं और 2012 की ही फिल्म चिंगारी ने भी इनका एक अलग ही लेवल सामने आया था। इस फिल्म की वजह से इनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन, बहुत ज़्यादा तालियां मिली थी। इसके अलावा आपको बता दूं कि 2018 में सक्षम आई थी, इसके अलावा 2017 में मुफ्ती आई थी। ये सारी फिल्मों ने मधु गुरुस्वामी को एक ऐसी पोजीशन पे ला कर रख दिया जहाँ पर हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर चाहता है कि इनको फिल्म में ले लें, जिसकी यही वजह है कि प्रभास की फिल्म सालार में प्रशांत नील ने मधु गुरुस्वामी को एज अ विलन चुना। आपको बता दूं कि प्रशांत नील की इस फिल्म में मधु गुरुस्वामी विलन का अंदाज में दिखने वाले हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर उनका इस फिल्म में होने वाला है। वैसे मुझे लगता है कि फिल्म में विलन जो एग्जाम की तरह होते हैं वो आते ही इसलिए क्योंकि हीरो की स्ट्रेंथ, हीरो की पोजीशन देख सके कौन कितना पानी में है। वैसे ही प्रभास की स्ट्रेंथ पोजीशन चेक करने आ रहे हैं मधु गुरुस्वामी। अब देखना है कि उनकी कैसी टक्कर होने वाली है इस फिल्म में। बाकी आगे चलते हैं कि इतनी ज़्यादा बात विलन की मैंने कर दी, इसके आगे प्रभास की बात तो बनती है क्योंकि वो पैन इंडिया स्टार हैं। आपको पता है कि हर का एक ब्रेक थ्रू होता है, मतलब एक जैसे पुबर्टी हिट करने से पहले लोग किसी को पहचानते नहीं है और जब बंदा पुबर्टी हिट कर जाता है तो उसकी खूबसूरती के चर्चे हो रहे होते हैं, लोग उनको मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं। वैसे ही प्रभास की कौन सी ऐसी फिल्में थी जो उनके स्टारडम से पहले थी, जिनकी वजह से उनको स्टारडम मिला था। आज मैं आपको बताऊंगी प्रभास की वो फिल्म्स जिन्होंने स्टार प्रभास को सुपरस्टार प्रभास बना दिया। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। सबसे पहले 2015 में आई बाहुबली 1 & 2। इस फिल्म को बनने में 4 साल लगे और प्रभास ने इस फिल्म को 4 साल दिए। आपको बता दूं कि इस दौरान कोई भी कमिटमेंट उन्होंने नहीं की थी। आजकल इतनी ज्यादा रिलेशनशिप नहीं चलती जितना कमिटमेंट इन्होंने इस फिल्म के साथ कर लिया था। इसके अलावा इस फिल्म में अनुष्का शेट्टी के साथ उनकी लिंकअप की भी खबरें आई। वो दोनों बहुत प्यारे लगते थे ऑन स्क्रीन और ऑफ द कैमरा भी, लेकिन इन दोनों ने अपने रूमर्स की खबरें एकदम खारिज कर दी, कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, नो मीन्स नो। आपको बता दूं कि इसके अलावा फिल्म आई थी प्रभास की मिर्ची, जिसमें शिवा ने डायरेक्ट किया था। आपको बता दूं कि एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी और प्रभास के लिए ये फिल्म स्टेट और नंदी अवार्ड लेकर आई थी। इसके अलावा 2004 में आई थी वर्षम, जिसमें वो भी एक फिल्म एक्शन ड्रामा थी और प्रभास को एक अलग पहचान मिली फिल्म वर्षम से। इससे पहले प्रभास को कोई इतना नहीं जानता था, मतलब एक्टर तो थे लेकिन वर्षम ने उनको सही पहचान दिलाई। इसके अलावा प्रभास की बॉलीवुड डेब्यू, साहो ने उनको बॉलीवुड रिकग्निशन तो दिया। इस फिल्म में उनके साथ श्रद्धा कपूर नजर आई थी। इस फिल्म का सिर्फ और सिर्फ गाना हिट हुआ, फिल्म फ्लॉप हो गई बॉक्स ऑफिस पर, जिसके बाद से प्रभास ने कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं करी है। अब पता नहीं वो आगे करेंगे कि नहीं करेंगे। फिलहाल तो प्रभास अभी आदि पुरुष में और एक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट है उसमें काम करने वाले हैं और फिल्म सालार उनकी चल ही रही है। कहते हैं किसी सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक औरत का हाथ होता है, प्रभास की सफलता के पीछे ये फिल्मों का हाथ है। आज वो जहां भी हैं, जैसे भी हैं, इन फिल्मों ने उनको वहां तक पहुंचाया है। अब देखना है कि प्रभास की आने वाली कौन सी फिल्में इन लिस्ट में शामिल होती हैं जो उन्हें अप्रिसिएशन और क्रिटिकली अक्लेम्ड अवार्ड्स दिलाएंगी। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्म रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को, जहां पर हम आपको हर फिल्मी खबर देते हैं। क्या ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा फिल्म सालार में जुड़ सकती हैं? क्या प्रशांत नील की इस नेक्स्ट फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने हाँ बोल दिया है? स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज मैं बात करूंगी एक ऐसी फिल्म के बारे में जो बहुत ज्यादा आने से पहले ही हिट हो चुकी है, ऐसा फैंस का कहना है, और बहुत ज्यादा इस फिल्म को बज मिल रही है, बहुत ज्यादा हाइप मिल रही है। हर एक एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पर हाइप क्रिएट हो रही है। सोशल मीडिया पर जब इस फिल्म के कुछ पिक्चर्स लीक हुए थे तब वो इतना ज़्यादा वायरल हो गए थे कि प्रभास और प्रशांत नील को थोड़ा सा और केयरफुल होना पड़ा कि पिक्चर्स लीक ना हो पाए। आपको बता दूं कि ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म से जुड़ने वाली हैं, ऐसा सोर्सेस का कहना है।
अगर रिपोर्ट्स की बात माने तो आपको बता दूं कि प्रशांत नील और इस फिल्म के मेकर्स चाहते हैं कि इस फिल्म में एक डांस नंबर हो जिसको प्रियंका चोपड़ा निभाएं। आपको बता दूं कि वो चाहते हैं कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंचाया जाए और डांस नंबर इस फिल्म का माध्यम हो सकता है, इस फिल्म का ब्रिज हो सकता है। और प्रियंका चोपड़ा से बेहतर और कौन हो सकता है? प्रियंका चोपड़ा जिन्होंने रामलीला में एक डांस नंबर से तहलका मचा दिया था, सारी लाइमलाइट छीन ली थी, और अब वही चाहते हैं कि प्रशांत नील की इस फिल्म में सालार में प्रियंका चोपड़ा वैसे ही कुछ कर जाएं। लेकिन आपको बता दूं कि प्रियंका चोपड़ा ने इस बात को अभी हाँ नहीं की है और प्रशांत नील चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो हाँ कर दें। इनफैक्ट जब से ये बात लीक हुई है तब से फैन चाह रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा किसी तरीके से हाँ कह दें ताकि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिल सके, मोहब्बत मिल सके और व्यूवरशिप मिल सके। फिलहाल आपको बता दूं कि प्रियंका चोपड़ा जो कि अभी काफ़ी बिजी थी अपनी प्रोडक्शन फिल्म द वाइट टाइगर के लिए, आपको बता दूं कि प्रियंका चोपड़ा का जो स्केड्यूल है काफ़ी बिजी होने वाला है क्योंकि वो अगली बार साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म मैट्रिक्स 4 में, अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा टेक्स्ट फॉर यू और सीरियल्ड नामक वेब सीरीज में दिखने वाली हैं। यानी कि बैक टू बैक तो उनकी डेट्स ब्लॉक होने वाली हैं, तो फिर कैसे प्रशांत नील और मेकर उनसे इस तरह की अपील करेंगे कि वो इस फिल्म में शामिल हो जाएं, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि प्रियंका चोपड़ा के आने से क्या इस फिल्म को उछाल मिलेगा, क्या लोगों को पसंद आने वाली है, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल आगे चलते हैं, ओम राउत के बारे में बात करते हैं जो कि एक बहुत ही फेमस और क्रिटिकल अप्रूवल डायरेक्टर हैं। आपको बता दूं कि आदि पुरुष को वो डायरेक्ट करने वाले हैं जिसमें प्रभास दिखने वाले हैं। इसके बाद एक ऐसे एक्टर के साथ वो काम करने वाले हैं जिसकी वजह से लाइमलाइट काफ़ी आ गई उस फिल्म में, जबकि अभी वो फिल्म शुरू भी नहीं हुई है। आपको बता दूं कि बॉलीवुड के हार्ट थ्रॉप कहे जाने वाले कार्तिक आर्यन को कास्ट कर लिया गया है, ओम राउत उनके साथ नेक्स्ट फिल्म में काम करने वाले हैं। और जब से ये बात खबर आई है तो कार्तिक के फैंस इस बात से काफ़ी खुश हैं कि ओम राउत डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये फिल्म तो अच्छी होने वाली है और इस फिल्म की स्टोरी लाइन भी काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि इनकी फिल्मों की स्टोरी लाइन शादी ना करने का क्यों साउथ सुपरस्टार साउथ इंडस्ट्री का सलमान खान बनता जा रहा है। स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में, मेरा नाम है निदा। और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, मैं आपको आज बताऊंगी कि आजकल टिंडर के ज़माने में रिलेशनशिप आईफोन के चार्जर से भी ज़्यादा वीक हो गई हैं। ना तो उसमें दिल इन्वॉल्व होता है और ना उसमें शीशा इन्वॉल्व होता है, लेकिन चाहे शीशा हो या फिर दिल हो दोनों ही टूट जाता है। फिर ना तो उससे फेविकोल जोड़ पाता है और ना फिर अंबुजा सीमेंट का जोड़ जोड़ पाता है, और बात फिर शादी तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन आपको बता दूं कि शादी इंडिया में सिर्फ शादी नहीं है, यहाँ पर ये ओलंपिक गेम्स है। इतने लेवल होते हैं कि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जो हमारा प्लेयर होता है वो थक जाता है। फर्स्ट पहले मिलने जाओ, फिर कैचअप करो, फिर सगाई, फिर उसके बाद सब कुछ कुशल मंगल रहा, इधर के इन-लॉज उधर के इन-लॉज सब खुश रहे, तब जाके लास्ट लेवल पर मेडल यानी कि माला पहनो। लेकिन ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि साउथ सुपरस्टार जो है प्रभास, वो ये मेडल ये माला नहीं पहन रहे और इस माला से वंचित हैं। क्या ये सुपरस्टार साउथ इंडस्ट्री का सलमान खान बनता जा रहा है? मुझे तो लगता है कि कुछ दिन ये और रुके तो सलमान खान इनसे फिर टिप्स लेना शुरू कर देंगे कि किस तरीके से ये पेपराजी और रिश्तेदारों को झेल लेते हैं। क्योंकि जब जब प्रभास से पूछा गया शादी के बारे में तो इन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, और आपको बता दूं कि एक दिन चुप्पी तोड़ते हुए इन्होंने कहा कि ये मेरा इंटरनल मैटर है, तो फिर सब चुप हो गए। आपको बता दूं कि लेकिन आज मैं पहली बार आपको बताऊंगी कि प्रभास क्यों शादी नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि अपना साउथ का सुपरस्टार अपना भाई लड़कियों में नहीं कार्स में इंटरेस्टेड है। जी हाँ, सही सुना आपने, भाई हमारा लड़कियों में नहीं कार्स में इंटरेस्टेड है। लड़कियां तो बेवजह बदनाम है कि बहुत सारा कलेक्शन रखती हैं, लेकिन असली कलेक्शन तो लड़के रखते हैं। आपको बता दूं कि प्रभास के पास इतनी कार्स कलेक्शन है कि हलचल का क्लाइमेक्स सीन भी फीका पड़ जाए इनके सामने। रोज पर्चियां निकालते हैं कि कौन सी कार आज लेकर जाऊं, और जो पर्ची में नाम निकल आता है वो लेकर चले जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको बता दूं कि कौन कौन से कलेक्शन है प्रभास के पास। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, रोल्स रॉयस फैंटम है, इसके बाद उनके पास जैगुआर एक्स जूनियर है, इसके बाद BMW X30 है, इसके अलावा बहुत सारी गाड़ियां जो मैं आपको नहीं बताऊंगी और ना ही मैंने याद करी हैं, क्योंकि मेरे ईगो के लिए इतना काफ़ी है, मैं और इसको नहीं तोड़ सकती। मेरा भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है यार, मतलब मुझसे देखा नहीं जा रहा था, पढ़ा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो बच्चे जिनको पॉकेट मनी भी ढंग की नहीं मिलती है वो भी अपने बर्थडे दिन वाले चार चार टॉफियां एक्स्ट्रा दे देते हैं टीचर्स को,
तो फिर वो खर्च कर सकते हैं। तो फिर ये तो प्रभास है, मतलब एक फिल्म के लिए 80-90 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और अपना भाई 10% प्रॉफिट भी लेता है। तो फिर 80-90 करोड़ वाला अगर 10 करोड़ रुपए खर्च कर दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जिस इंडिया में CTC कुछ और होता है और हैंड इन हैंड सैलरी कुछ और होती है और जहाँ पर सैलरी सिर्फ एक मूँगफली के दाने के बराबर है, उसमें 9-10 करोड़ रुपए की कार रखना काफ़ी बड़ी बात है। ये सारी तो मेरी ओपिनियन है, लेकिन आपकी क्या ओपिनियन है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल मेरी बकवास यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपके कोई भी सवाल हो इस तरह से, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल ऐसी बातों के लिए, ऐसी गॉसिप के लिए, ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को, जहाँ पर हम आपको बढ़िया गॉसिप देते हैं विद एंटरटेनमेंट। और लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और ऐसे ही हर शादी में एक फुप्पा होते हैं जो हर किसी को हड़काया करते हैं कि जल्दी तैयार हो, जल्दी तैयार हो, जबकि शादी में क्या ही करना होता है, खाना खाना होता है, फ़ोटोज़ खिंचवानी होती हैं और एक दूसरे की बुराई करनी होती है, लेकिन फिर भी ये हड़काया करते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। कहीं इन लॉज के ऊपर गलत इम्प्रेशन ना पड़ जाए, ऐसे ही फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन के भंवर में फंस चुके हैं प्रशांत नील। प्रशांत नील कौन? अरे वही जिन्होंने KGF Chapter 2 बनाई है और अब फिल्म सालार बनाने वाले हैं, जिसमें प्रभास दिखने वाले हैं, श्रुति हसन भी नजर आने वाली हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। फिलहाल आपको बता दूँ कि पता नहीं किसने उनसे जाकर ये कह दिया है कि फिल्म की एंट्री पर सबसे ज़्यादा ध्यान दो, स्टोरी वो स्टोरी तो देखी जाएगी। उसी की वजह से प्रशांत नील प्रभास की एंट्री को लेकर काफ़ी कंसर्न है। आपको बता दूं कि इस एंट्री पर वो जोरों शोरों से खर्चा कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको बता दूं कि इतना ज़्यादा बजट बढ़ गया इसकी वजह से, और ये एंट्री जो प्रभास की होगी वो बहुत अलग तरीके से होने वाली है, बहुत ग्रैंड होने वाली है, जिसकी वजह से सालार का बजट भी बढ़ने वाला है। सालार इस फिल्म में, प्रभास इस फिल्म में मैकेनिक का किरदार निभाने वाले हैं। और ये जो एंट्री लुक होगा, बहुत सारे हीरोज़ होते हैं ना अपना प्रॉप यूज़ करते हैं, जैसे कि दबंग में सलमान खान ने चश्मा इस्तेमाल किया था, वैसे ही प्रभास इस फिल्म में एंट्री मारने वाले हैं फाइटिंग सीन के साथ। और आपको बता दूं कि ये फाइटिंग सीन ऐसे ही वैसे नहीं होने वाला है, ये फाइटिंग सीन होने वाला है बहुत लंबा, क्लाइमेक्स सीन से भी लंबा होने वाला है। मुझे लगता है कि ये क्लाइमेक्स सीन की वजह से, इतना लेंथी होने की वजह से फिल्म बोर ना करने लगे। आपको क्या लगता है बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल प्रशांत नील इस चीज को बहुत ज्यादा अंदर से देख रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई भी कमी ना आए एंट्री लुक पर। और वैसे भी प्रशांत नील चाहते हैं कि प्रभास का जो एक इंप्रेशन है वो ऑडियंस पर काफी स्ट्रांग पड़े, जिसकी वजह से इस फिल्म के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं वो। वैसे मुझे लगता है कि ये मेहनत रंग लाने वाली है, इसलिए नहीं कि इस फिल्म को प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं, इस फिल्म में प्रभास दिखने वाले हैं। जिस फिल्म में एंट्री सीन ही फाइटिंग सीन से हो, तो उस फिल्म में कितनी ज़्यादा फाइटिंग होने वाली है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और फिर हम तो इंडियंस हैं, हमें फाइटिंग और लड़ाई झगड़े काफ़ी पसंद हैं, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे फिर मोहल्ले की लड़ाई हो, हर जगह हम पहुंच जाते हैं बिना पॉपकॉर्न के, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। फिलहाल आपको बता दूं कि सिर्फ यही एक मेहनत नहीं है जो प्रशांत नील कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी देसी आंटियां लालटेन लेकर अपने बेटे के लिए परफेक्ट वधू ढूंढती हैं, और ऐसे ही बहुत सारे कंपनीज जो गधे जैसे एम्प्लॉयज़ को ढूंढती हैं ताकि वो 24 घंटे काम कर सकें, वैसे ही प्रशांत नील ने अपने क्रू मेंबर्स के साथ ऐसे एक्टर्स ढूंढे हैं जो इस फिल्म में काम कर सकें। नहीं समझे, मैं आपको बता दूं कि एक खबर के अनुसार प्रशांत नील ने अपने क्रू मेंबर्स के साथ इस फिल्म में बहुत सारे लोगों का ऑडिशन किया और उन लोगों में 100 एक्टर्स का चुनाव किया। इस फिल्म में 100 एक्टर्स को हायर कर लिया गया है और बहुत ही जल्द वो इस फिल्म में दिखाई देंगे। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 100 एक्टर्स किस वजह से, मतलब अगर डांसर्स की ज़रूरत थी तो डांसर्स ले लेते, एक्टर्स की क्या ज़रूरत है, और अगर पीछे ही खड़ा करना था तो किसी को भी ले लेते यार, मतलब एक्टर्स को क्यों उम्मीद देना। ये तो वही बात हो गई जैसे HR कह देते हैं वी विल लेट यू नो। बेचारे ये एक्टर्स को भी यही बताया गया होगा कि किसी ना किसी दिन तुमको पीछे से उठाकर आगे फ्रेम में रख देंगे, यानी कि हीरो बना देंगे। आई होप सो उनकी कामना पूरी हो, और जिनको HRs ने कहा है कि वी विल लेट यू नो, उनके पास भी जवाब चला जाए। फिलहाल ये सारी बातों के बहुत बड़ा मैसिव सरप्राइज देने वाले हैं। प्रभास की कौन सी फिल्म उनके करियर की माइलस्टोन फिल्म बनने वाली है? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, मेरा नाम है निदा। आज मैं बात करने वाली हूँ प्रभास की फिल्म सालार के बारे में, प्रशांत नील के बारे में, और स्पेसिफिकली फिल्म सालार के बारे में। तो अगर आप इन तीनों में से किसी के भी फैन हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। बने रहना, लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि कंटेंट आप तक पहुंच सके। फिलहाल आगे चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रभास की जो फिल्म सालार है वो बहुत बड़ा बजट फिल्म होने वाली है, वो बहुत बिग बजट फिल्म होने वाली है।
जिसकी वजह से इस फिल्म को बहुत ज्यादा बज मिल रहा है। जैसे कि आपको बताया कि फिल्म सालार एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, इसका बजट बहुत बड़ा होने वाला है। यहाँ तक कि सरकार का बजट अच्छा आया ना हो, लेकिन प्रशांत नील चाहते हैं कि इस फिल्म का बजट बहुत अच्छा है और फिल्म में ज़रा से भी कोताही ना हो, जिसकी वजह से इस फिल्म में उन्होंने 20 असिस्टेंट डायरेक्टर को हायर कर लिया है। 20 असिस्टेंट डायरेक्टर, यानी कि आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 20 असिस्टेंट डायरेक्टर्स सेट पर होने वाले हैं तो कितनी बड़ी टीम होने वाली है। प्रशांत नील ने हायर कर लिया है। अगर आपको नहीं मालूम तो आपको बता दूं कि असिस्टेंट डायरेक्टर्स वो होते हैं जो डायरेक्टर से नीचे वर्क करते हैं और पूरी कास्ट एंड क्रू मेंबर्स की एक शीट बनाते हैं कि किसका क्या काम है, कौन क्या काम कर रहा है, सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई कंफ्यूज ना रहे, उसको सारा काम पता हो, और यहां तक कि क्रू मेंबर्स और पूरे सेट मेंबर्स की वो हेल्थ और सेफ्टी सबका ध्यान रखते हैं, यहां तक कि हर चीज का उनको पता होता है। यानी कि अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो कॉर्पोरेट के वो एचआरज होते हैं जिनको सब कुछ पता होता है। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि ये असिस्टेंट डायरेक्टर शूट पर जाकर रंगोली नहीं बनाते। तो आपको बता दूं असिस्टेंट डायरेक्टर्स को तो ये काम सौंप दिया गया है और 20 असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं इस फिल्म में, तो काफी मजा आने वाला है और फिल्म का बजट भी काफी बड़ा होने वाला है। और प्रशांत नील ने अपने कास्ट क्रू मेंबर्स को एक ऐसा फैसला सुना दिया है कि फिल्म सालार बहुत ही जल्द स्टार्ट होगी और बहुत ही जल्द रैप अप हो जाएगी। कुछ सोर्सेज का कहना है कि प्रभास की फिल्म सालार के लिए 45 डेज अलॉट किए गए, इसी के अंदर फिल्म की शूटिंग होना है, कंप्लीट हो जाना है। इसके ज्यादा ये फिल्म एक्सीड नहीं कर सकती, यानी कि इससे ज्यादा डेज नहीं बढ़ सकते। जिसके बाद जो कास्ट क्रू मेंबर्स थे वो एकदम से पागल हो गए कि ऐसे कैसे मुमकिन है। लेकिन अब ये उन्हें देखना है कि जो टारगेट है ये कैसे पूरा होगा। फिलहाल आपको बता दूं कि अभी प्रशांत नील की इस फिल्म का फर्स्ट स्केड्यूल कंप्लीट हो गया है। फिलहाल आगे चलते हैं कि प्रभास को देख के मुझे महसूस होता है कि प्रभास क्लास का वो बच्चा है जिसके पास पूरा प्लान होता है, बैकअप प्लान नहीं, प्लान ए होता है। यानी कि 10th के बाद वो क्या करेगा, 12th के बाद क्या करेगा, ग्रेजुएशन के बाद क्या करेगा। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रभास की फिल्म के जितने भी जो अरेंजमेंट्स हैं वो कन्फर्म्ड हो गए हैं कि राधे श्याम के बाद वो सालार करने वाले हैं, सालार के बाद वो आदि पुरुष करने वाले हैं, आदि पुरुष के बाद एक और फिल्म करने वाले हैं, यानी कि सब कुछ मैनेज है उनका। इसीलिए आपको बता दूं कि प्रभास की 23rd और 24th और 25th फिल्म के लिए काफी बज क्रिएट हो गया है, क्योंकि 24th 25th फिल्म उनके करियर की माइलस्टोन होने वाली है। जैसे रिलेशनशिप में जो कपल्स होते हैं 1 month एनिवर्सरी, 1 week एनिवर्सरी, 10 days एनिवर्सरी मनाते हैं, वैसे ही प्रभास अपनी फिल्म्स का एक माइलस्टोन बना रहे हैं, करियर का माइलस्टोन है उनका। अब देखना है कि कितना ह्यूज होने वाला है। इसके अलावा आपको बता दूं कि नाग अश्विन की फिल्म 23rd प्रोजेक्ट है उनका, जो जिसमें दीपिका पादुकोण भी नजर आने वाली हैं। इस फिल्म को अभी नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ये फिल्म अभी से तहलका मचा